लोगों को पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, ये मेरे लिए भी नया प्लेटफॉर्म है। इससे पहले जो ई एस है, अभी तक जो मैं फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ वो ई एस पे ही बना रहा हूँ ना, सी एक्स मैंने अभी तक खुद यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, ई एस मैं कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो मैंने सोचा यार इस दफ़ा सी एक्स को पढ़ाते हैं, खुद भी सीखते हैं, तुम लोगों को भी सिखाते हैं, तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा, एक तो हम लास्ट टाइम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम फॉलो कर रहे थे ना, तो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के अलावा मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आई है, तो और वो काफ़ी यूज़फुल भी है, और वो है जी हमारा क्विक लैब। सही है, ये गूगल वालों ने ना खुद से बनाया है आपकी लर्निंग के लिए ना, ये छोटे छोटे क्विक लैब इन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, क्विक लैब का बेनिफिट क्या होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाते हैं ना, जैसे मेरे पास तो एक अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है ना डायलॉग फ्लो पे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नया अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको ये $600 का क्रेडिट दे देता है। ठीक है, लेकिन स्टिल उसके लिए क्रेडिट कार्ड लगाना होगा है ना, या सादा पे का कार्ड लगाना होगा इसके अंदर। तो अगर बंदा कोई बिल्कुल ही नया है और वो उसने अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट का बटन दबाते हैं ना, तो आपको ये क्या करता है, एक छोटा सा अकाउंट बना के दे देता है। तो अभी हम आज ना इसको स्टार्ट करते हैं और इससे ज़रा करके देखते हैं, और हेलो वर्ल्ड जो है ना, इसमें ये एक्चुअली क्या किया हुआ है इन्होंने कि डायलॉग फ्लो सी एक्स का बिल्डिंग बेसिक्स करके किया हुआ है ना, कि बॉट बिल्डिंग जो है उसकी बेसिक्स क्या है, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, तो ये स्टेप बाय स्टेप है यहाँ पे कि जी क्रिएटर एजेंट, मेक इंटेंट और फ्लो एंड पेजेस क्या हैं, फिर एंटिटी एंड पैरामीटर्स, तो ये एक्चुअली हेलो वर्ल्ड ही बन रहा है यहाँ पे ना। तो हम क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट भी कर लें हम। अच्छा, क्या इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जी डायलॉग फ्लो सी एस प्रोवाइड सिंपल विजुअल बॉट बिल्डर अप्रोच टू वर्चुअल एजेंट डिज़ाइन, और बस ये सारी फजाइल लिखे हुए इन्होंने कि यार बहुत अच्छा है ये। अच्छा, प्री रिक्विजिट में इन्होंने क्या बात लिखी है कि यू शुड हैव अ जनरली फेमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेशनल एआई। ठीक है, कह रहे हैं कि यार आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कन्वर्जेशनल एआई होती क्या है। अच्छा, कन्वर्जेशनल एआई अगर आपको कह रहा है नहीं पता है, तो आप ना ये सैम्पल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लो। अब ये सैम्पल ट्रांसक्रिप्ट अगर मैं ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, ये यूज़र और एजेंट के दरमियान ना कुछ गुफ्तगू इन्होंने, मतलब पुरानी कोई हिस्ट्री लगाई हुई है यहाँ पे, कि यार इस तरह का होता है चैट बॉट, राइट? तो ये वाली चीज़ों से तो आप फेमिलियर है ना, कि चैट बॉट इस तरह की कोई चीज़ होती है कि एक दफ़ा चैट बॉट बोलता है, एक दफ़ा बंदा बोलता है, और उसको बंदे को जवाब मिल रहा होता है। तो उसने बोला भाई ये बस आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस वाले क्विक लैब को। ठीक है जी, और ठीक है, ऑफन द फर्स्ट स्टेप इज़ इन क्रिएटिंग एजेंट टू रीड थ्रू द क्लाइंट ट्रांसक्रिप्ट। कह रहे हैं कि पहला जो स्टेप होता है अक्सर, वो जब आप कोई चैट बॉट बना रहे होते हैं, तो उसमें क्लाइंट आपको एक ट्रांसक्रिप्ट देता है कि जी इस तरह की बातचीत होने वाली है, तो इसी वजह से इसने भी इस तरह से बता दिया। ठीक है जी, अदर कॉन्सेप्चुअल डेटा टू अंडरस्टैंड द यूज़ केस ऑफ ए स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट एक तो पढ़नी पड़ती है, और कॉन्टेक्चुअल डेटा जो है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, यानी बिजनेस स्पेसिफिक कोई अगर चीज़ है, जैसे एयरलाइन टिकट में ये होता है कि जी कोई बिजनेस स्पेसिफिक चीज़ ये होती है कि जहाँ आप जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ के टाइम के हिसाब से लैंडिंग होती है। ठीक है, जब फ्लाइट उड़ती है तो वो जहाँ से उड़ती है वहाँ के टाइम के हिसाब से, और जहाँ लैंड होती है तो वहाँ लैंडिंग के टाइम के हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप 5 बजे आपकी फ़्लाइट उड़ती है और 5:10 पे वहाँ पहुँच जाती है ना, लेकिन एक्चुअल में वो फ़्लाइट 3 घंटे की होती है। तो वो स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ है ये। तो ये कह रहा है कि भाई आपको एक तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी पड़ सकती है, और दूसरा अगर उस फील्ड से स्पेसिफिक कोई ऐसी डिटेल है तो वो समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसी तरह होटल बुकिंग के अंदर भी जैसे होता है कि जी वो पर नाइट उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो वैसे मतलब आम सेंस में अगर बंदा देखेगा तो वो पर डे होता है, चीज़ें ज़्यादातर पर डे होती हैं, लेकिन होटल एक ऐसी चीज़ है जिसको पर नाइट वो कंसिडर करते हैं। तो क्या कहते हैं, ये इस तरह की कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इस क्विक लैब का सेटअप है ये। ठीक है, ये सेटअप डायलॉग फ्लो का नहीं है, ये क्विक लैब का सेटअप है। अब से कह रहे हैं कि क्विक लैब पे जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे ना, तो आपको ये क्या दे देगा, एक क्रेडेंशियल दे देगा, एक आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा, और कह रहा है कि जी आप ना इसको क्या करें, गूगल क्रोम से इसको एक्सेस करें आप। ये क्विक लैब ना रेकमेंडेड है कि किसी अच्छे ब्राउज़र पे चलाएं, जैसे कि गूगल क्रोम।
दूसरा ये इसको कह रहा है कि जी ये जो आप वंस इसको क्लिक कर दोगे ना आप, तो ये 1.5 घंटे के लिए ओपन होता है, उसके बाद ये खुद ही क्लोज हो जाएगा और इसको आप दरमियान में रोक नहीं सकते आप, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि पॉज कर दिया फिर दूसरा कर दिया, इस तरह नहीं कर सकते आप। ये एक ही दफ़ा ऑन होगा और ये 1.5 घंटे पूरे करके खुद ही बंद हो जाएगा। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि ये सिमुलेटर नहीं है, ये कोई सिमुलेटर नहीं है, ये एक्चुअल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये एक नया अकाउंट आपको बना देगा जिसका एक्सपायरी 1.5 घंटे पर सेट होता है, ठीक है। तो एक एक्चुअली आपको एक नया अकाउंट बना के देता है ये, एक नया ईमेल और एक नया पासवर्ड। तो वो एक रियल अकाउंट होता है, उसके अंदर रियल गूगल क्लाउड जो है वो चल रहा होता है। तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट चलाएं या इस पर चलाएं, कोई बीच में इसके सिमुलेशन का कोई आंसर शामिल नहीं है, ठीक है। तीसरा इसने बोला है कि जी इसको आप ना इनकॉग्निटो मोड में चलाएं। इनकॉग्निटो मोड में चलाने से ये होगा कि आपके पहले से जो लॉगिन अकाउंट है ना उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। गूगल के क्लाउड में ही ना बहुत बड़ा एक इशू है ये वाला, कि जी अगर आपके जैसे दो अकाउंट लॉगिन है ना, जैसे मेरे पास तो अभी यहाँ पे एक ही है क्योंकि इनकॉग्निटो है, लेकिन जब आप इधर क्लिक करते हैं ना तो मेरे पास दो तीन अकाउंट लॉगिन हुए हुए आ रहे होते हैं। तो अब किसी भी जगह पे जाऊंगा ना मैं, तो वो अकाउंट नंबर 1 के ज़रिए उसको चला रहा होता है। अब अकाउंट नंबर 2 पे ले जाना उसको एक अजाब है। ये हर प्लेटफॉर्म के, ये खास तौर पर डायलॉग फ्लो में तो आया ही है मेरे साथ इशू, लेकिन गूगल ड्राइव पे, गूगल शीट पे, इन पे भी है। तो मेरा जो प्राइमरी अकाउंट है ना वो ये वाला है जो इस वक्त यहाँ लॉगिन है। अब गलती से कभी अगर मैंने कोई दूसरा अकाउंट पहले लॉगिन कर दिया तो वो नंबर 1 पे आ जाता है। अब जो भी चीज़ खोलता हूँ उस पर खुलती है वो। अब वो एक दफ़ा मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल रहा ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार सारे अकाउंट में ढूंढता हूँ अब मैं, तो पता चला वो दूसरे अकाउंट में गया हुआ था, क्योंकि गलती से मैंने पहले कोई दूसरा अकाउंट लॉगिन कर दिया तो वो टॉप पे आने शुरू हो गया था। तो इसके अंदर ये इशू तो है। तो जेन्युइन बात इसने की है कि जी इसको ना आप बेहतर ये इनकॉग्निटो में चलाओ। तो इनकॉग्निटो में पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा और फिर वो ये क्विक लैब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये नया क्रेडेंशियल दे देगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कह रहा है हाउ टू साइन इन। अब साइन इन कैसे होगा, यानी स्टार्ट करते ही आपको क्रेडेंशियल देगा वो कहेगा कि यार कॉन्सोल का बटन दबाओ आप, और जो आपको क्रेडेंशियल दिए गए हैं वो क्रेडेंशियल आप एंटर करो यहाँ पे, दैट्स इट। सही है, टर्म एंड कंडीशन आपसे पूछेगा, वो एक्सेप्ट कर लो आप बस। उसके बाद क्या करो, अगर आप डायलॉग फ्लो की API को इनेबल करो। ये हर न्यू अकाउंट में ना एक दफ़ा ये करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम स्टार्ट का बटन दबा देते हैं, और स्टार्ट का बटन दबा के ना बाकी का काम हम फिर बाद में उसके साथ साथ करते हैं ना, जो बताता जा रहा है ना उसके साथ साथ ही करते जाते हैं बस भाई बस। लैब कॉस्ट 1 क्रेडिट, व्हाट इज दिस? एक ही बार कर सकते हैं लैब एंटर टोकन, व्हाट इज दिस? बाय सब्सक्रिप्शन, ये तो गलत बात है यार, ये एक ही दफा कर सकते हैं जिंदगी में। अच्छा, तो मैं समझ गया फिर अब क्या करना है, अकाउंट दूसरे पे लगाते हैं ना जिस पे मैंने नहीं किया ये एक्चुअली। हाँ सही इसने बताया, एक दफ़ा शायद मैं इसको स्टार्ट स्टार्ट कर चुका हूँ बहुत पहले ना, जब ये शुरू शुरू माल तैयार हुआ था इनका। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन इन मारते हैं कोई दूसरा अकाउंट जो, अबे यार इस पे तो साइन इन भी नहीं लगेगा ऐसे, यहाँ से आके कॉपी मारते हैं ना अकाउंट। ये वाले पे करते हैं। सही है, और नेक्स्ट। कॉपी नहीं होता यार, यस दैट इज करेक्ट, कॉपी नहीं होता है। रिकॉर्डिंग रोक के मैंने क्या कर लिया, इस पासवर्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे अब मैं साइन इन कर देता हूँ। अबे यार ये क्या सीन है, यार ये तो हाई इंतजाम बोल दिया इसने। एक और नई विंडो खोलता हूँ,
चल गया चल गया। अब मेरे जीमेल पे इसने भेजी है कन्फर्मेशन। यस इट इज मी। ओके नॉट नाउ, गो अहेड, गो अहेड। क्विक लैब्स, गूगल क्लाउड, स्किल बूस्ट, कैटलॉग। अबे यार अभी तो साइन इन किया मैंने, यहाँ पे दोबारा साइन इन बोल रही है, ये क्या बकवास है? ओ अच्छा, ये इसका अलग ही है, डोमेन ही अलग है इसका। क्विक लैब की टर्म एंड सर्विसेज, बसेस, कहाँ है इसमें मोटरसाइकिल? अल्लाह की कसम यार, क्या इन्होंने किया भाई। अच्छा ये जी इनका आ गया क्विक लैब। अच्छा क्विक लैब लैब में मैं डायलॉग फ्लो लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। ये क्या बकवास है यार, कुछ भी नहीं आया। बेसिक बॉट्स। अच्छा इनके ना वैसे और भी लैब्स बने हुए हैं ना, यानी पूरा जो गूगल की जो पूरी आप समझ लें वो है ना। लो भाई तो डायरेक्ट इधर आ जाता है। क्लाउड स्किल बूस्ट डॉट गूगल डॉट फोकसेस, URL से करते हैं ना, URL भी तो पता है ना। आने का नाम ही नहीं है भाई इसका तो कोई। हाँ ये आ गया सही है। और ये इन्होंने डिफरेंट पाथ यहाँ पे ना बनाए हुए हैं कि जी आपने क्या बनना है, अपने बड़े हो के डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये डिफरेंट पाथ सारे इसने बनाए हुए हैं ना। अच्छा तो इसमें हम ज़रा चैट बॉट लिख दें। चैट बॉट नहीं है इसमें, कन्वर्जेशन भी नहीं है इसमें, सही है। तो हम डायरेक्ट एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं और हम दूसरे टैब में चलते हैं जहाँ पे वो सारे की लिस्ट आ रही होती है शायद। हाँ ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ डायलॉग फ्लो, ठीक है। तो ये डायलॉग फ्लो के ये जितने हैं ना सारे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये ज़्यादातर ES वाले इसमें आ रहे हैं लेकिन CX वाले भी काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं जाके बोलूँगा ना CX और एंटर करूँगा। तो ये सबसे पहले तो वो बेसिक बॉट्स आ गए, ठीक है, 1 credit का है ये। अच्छा उसके बाद आपके पास जो है वो कॉन्टेक्चुअल इंटेंट्स आ गए, ठीक है। इनेबल IVR फीचर आ गया। तो ये छोटे छोटे इन्होंने क्या किया हुआ लैब्स यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। चैलेंज लैब है ये, इसके अंदर आपको एक शायद टास्क मिलेगा वो आपको करना होगा, ठीक है। और वर्चुअल एजेंट डेवलपमेंट इन डायलॉग फ्लो ES। अच्छा CX का एक या दो ही लैब है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा अब ये फायर स्टोर कैसे कनेक्ट होगा वो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैनेजिंग एनवायरनमेंट्स, एनवायरनमेंट्स क्या चीज़ होती है इसमें, कि जैसे आप एक जब बॉट बना रहे होते हो ना तो एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, एक प्रोडक्शन होता है। तो आप यानी जब कंप्लीट कर लेते हो आप बोलते हो उसको प्रोडक्शन में डाल दो उठा के, तो प्रोडक्शन में डल जाता है। तो आप बोलते हो प्रोडक्शन वाले को चलाओ और डेवलपमेंट वाले पे आप चेंजेस करते हो, प्रोडक्शन वाले से वो अलग रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो वो कैसे मैनेज करना है उस पर एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। 2 जुमलों में मैंने समझा दिया, इन्होंने पूरी लैब बनाई है उसके लिए। नहीं स्टिल वैसे सही किया इन्होंने, क्योंकि उसमें छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, है तो छोटा सा लेकिन टेक्निकल चीज़ है वो, ठीक है जी। पैरामीटर मैनिपुलेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह जहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो वाली बात यहाँ चलाई है इन्होंने। लेकिन मसला ये है कि यार जब इन्होंने एक ही क्रेडिट दिया है ज़िंदगी में तो फिर ये सब कैसे होगा जब एक क्रेडिट दिया है। तो अभी देखता हूँ मेरे पास क्रेडिट कितने आ रहे हैं।
अबे जीरो क्रेडिट, ये तो प्रैंक कर दिया इसने मेरे साथ। इतनी मेहनत से मैंने दूसरा अकाउंट लॉगिन किया और जीरो क्रेडिट, नॉट गुड यार। स्टार्ट करके चलो देख लेते हैं, जीरो शो हो रहा है वहाँ पे, जब तो ख़त्म हो गई बात, स्टार्ट हो गई नहीं है। अब ये देखो मोटरसाइकिल दिखा देगा ये हमें, पहले बोलेगा मोटरसाइकिल बताओ किधर है। इन लोगों की सारी ना मोटरसाइकिलें गुम होती हैं, वो गूगल में आके कंप्लेन करते हैं और गूगल ही हमसे ढूंढवाता है सारी मोटरसाइकिलें। ये लो बाय क्रेडिट। नहीं भाई ये नहीं चलता, ये नहीं चलता भाई। ये क्या पता मैंने इस अकाउंट से भी चला दिया, और पता नहीं मैंने किस किस से चलाया हुआ है ये तो मुझे। अच्छा मुझे नहीं याद मैंने कब चलाया है, बहुत पहले मैंने देखा तो था लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया था या नहीं किया था। अब पता नहीं, हो सकता है सारे अकाउंट से मैंने एक एक करके चलाया हो। अबे छोड़ो इतना टाइम थोड़ी है सारे अकाउंट चेक करने का। हम इसको फ़िलहाल ये करते हैं, हम फिलहाल ये करते हैं कि जो ये बता रहे हैं ना चीज़ें, हम उसको उस वाले पे ही करते हैं। ठीक है मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अच्छा इतना पार्ट तो मैं, अबे ये क्या हुआ, मैंने वो टैब ही बंद कर दिया क्या। मैंने वो टैब बंद कर दिया गलती से, दोबारा खोल लेते हैं कोई मसला नहीं। लेटेस्ट वाला मतलब, हाँ करंट ब्राउज़र पे खोल लेता हूँ, इनकॉग्निटो पे खोलने की ज़रूरत नहीं है अब तो इसको ना। इसको मैं उठा के ना पड़ोस में ले आता हूँ इसके। ठीक है ये मेरे पास डायलॉग फ्लो खुला हुआ है इधर, और ये मेरे पास वो क्विक लैब मैंने ओपन कर ली है। ठीक है अच्छा क्विक लैब में आगे चलते हैं। तो लॉगिन होने के बाद सबसे पहला तो काम जो करना है ना वो ये करना है कि जी आप क्या करोगे, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। इन्होंने क्विक लैब वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, हम जो है हमारा वाला करेंगे। और ये वाला बटन प्रेस करके कह रहे हैं कि कहाँ जाओगे आप, डायलॉग फ्लो एपीआई करोगे आप। ठीक है ये सर्च में भी कर सकते हैं, सर्च में भी लिखेंगे ना तो आ जाता है, और जब वो सामने आएगा तो उसको इनेबल का बटन दबा देंगे, वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है अच्छा वो इनेबल होते हुए क्या बोलेगा आपसे, बिलिंग मांगेगा आपसे वो। अगर आप नॉर्मल वाले में चला रहे हो तो बिलिंग मांगेगा आपसे वो। ठीक है तो वो बिलिंग के बगैर वो शायद नहीं होता, क्योंकि वो $600 का क्रेडिट भी जब मिलता है आपको जब आप क्रेडिट कार्ड लगाते हैं, तो वो बिलिंग आपसे बोलेगा कि भाई दो फिर इनेबल होगा इस पॉइंट पे ना, तो वो देख लेना किस तरह होता है। अच्छा अब ये कह रहा है कि जी आप क्या कर लो, डायलॉग फ्लो CX के कॉन्सोल पे चले जाओ एंड देन सेलेक्ट द क्लाउड प्रोजेक्ट नेम। ठीक है वहाँ पे कोई एक प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होगा वो आप सेलेक्ट करो, और उसके बाद जो है ना, यानी कह रहा है आपके केस में ये वाला होगा वो प्रोजेक्ट। ठीक है क्विक लैब ने एक प्रोजेक्ट भी पहले से बना के दिया हुआ है। ठीक है और बस ये सीन है। अच्छा उसके बाद क्रिएट एजेंट करके, तो हम क्या करते हैं अब हमारे वाले में ना, यहाँ पे ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है जी, एक प्रोजेक्ट में ना, ये मेरा प्रोजेक्ट है ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर इसमें मल्टीपल क्या हो जाते हैं, एजेंट्स बन जाते हैं। तो एक तो ये मैंने बनाया हुआ है छोटा सा, लेकिन हम क्या करते हैं नया बना लेते हैं, क्रिएट न्यू एजेंट। और मैंने इसको बोला कि यार बिल्ड योर ओन, और मैंने इसको बोला कि SMIT, सही है B3 ऐसे करके मैंने लिख दिया। अच्छा लोकेशन पूछ रहा है कि लोकेशन की क्या रखनी है। लोकेशन मैं किस तरह से रखता हूँ कि जहाँ से ये चैटबॉट एक्सेस किया जा रहा होगा है ना, अगर तो मेरे सर्वर से एक्सेस किया जा रहा है या अगर मेरे फ्रंट एंड से डायरेक्ट एक्सेस किया जा रहा है, तो मैं वो देखूंगा कि कहाँ से करीब तरीन है और मैं उसी हिसाब से उसको बनाऊंगा। अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब तक ट्रैफिक नहीं आती ना ज़्यादा तो ये लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब ट्रैफिक ज़्यादा आती है तो फिर मैटर करता है लोकेशन ना। ठीक है अभी तो हम चैटबॉट मतलब डेमो बना रहे हैं, वैसे भी हम जो जितनी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो सारी USA की रिसोर्स है ना। ठीक है तो हम इसको USA पे ही छोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है टाइम जोन इसका मैं सेट कर सकता हूँ। टाइम जोन सेट करने का सीन ये होता है कि जी जब मैं अगर चैटबॉट को बोलूँगा ना कि भाई आफ्टर 3 आवर फ्रॉम नाउ, तो वो एक टाइम मुझे मिलता है पीछे, एक्चुअली 3 आवर नहीं मिलता मुझे, टाइम एक मिलता है, तो वो इससे ऑफसेट लगा रहा होगा कि ये टाइम क्या है। तो इसको सेट कर लेना जो है वो ज़रूरी है, हम +5 में इस वक्त बैठे हैं। ठीक है तो अगर हमारा यूज़र जो है, ये टाइम कौन सा सेट होगा जहाँ का यूज़र है। ठीक है अब वो यूज़र पाकिस्तान का हो सकता है लेकिन सर्वर अमेरिका में, तो मैं क्या करूँगा लोकेशन स्टिल में USA की रखूँगा लेकिन टाइम जोन में क्या करूँगा पाकिस्तानी सेट करूँगा यहाँ पर। तो मैं +5 तलाश कर लेता हूँ इसमें किधर है। ठीक है एशिया +5। अच्छा इंग्लिश
लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इसके अंदर सेलेक्टेड है और इंग्लिश में ही डायलॉग फ्लो का चैटबॉट सबसे बेस्ट काम करता है, लेकिन इसके अंदर और भी लैंग्वेजेस यहाँ पे क्या हैं मौजूद हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है, उज़्बेक है और पता नहीं बंगाली है, और उर्दू इन्होंने बीच में लॉन्च किया था लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। हिंदी इसमें है, काफ़ी टाइम से हिंदी इसमें मौजूद है, तो अगर आपने अगर उर्दू बोलने वाला चैटबॉट बनाना हो ना तो आप इसमें हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगेन चेक कर रहा हूँ, इसमें उर्दू, अरे पंजाबी भी है भाई इसमें, हाँ पंजाबी और सिंधी दोनों ही इंडिया वाली है। अब इसमें मैं उर्दू देख रहा हूँ कि आया कि इसमें उर्दू दोबारा इन्होंने ऐड कर दिया है कि नहीं किया, भाई करा हुआ ऐड यार, क्या बात है, ठीक है, तो उर्दू भी इसके अंदर ऐड है, लेकिन फ़िलहाल हम जो अभी एग्जाम्पल्स बनाएंगे वो हम उर्दू में नहीं बनाएंगे क्योंकि इंग्लिश हमें पता है कि भाई स्टेबल है। तो अभी अगर आप उर्दू में बना रहे होंगे ना अगर, तो आपको पता नहीं लगेगा कि एरर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है या उर्दू लैंग्वेज की वजह से ये इशू आ रहा है, ये आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सीखते हुए ना आप इसको बनाएंगे इंग्लिश के अंदर। जी, टाइम जोन का ये है कि जब चैट बॉट्स में बात करूँगा ना तो अगर मैंने टाइम स्पेसिफिक बात की कोई तो वो इस टाइम को समझेगा। नहीं, कहीं से भी एक्सेस कैसे हो सकता है, किसी एक लोकेशन से एक्सेस होगा, दूसरा बनेगा उसके लिए। नहीं वो तो सही है बात, कहीं से भी यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर मैं उसके लिए अलग बनाऊंगा ना। हर कंट्री के लिए अलग नहीं होगा, देखो असल में बिजनेस के हिसाब से सोचोगे ना अगर तुम, तो अगर मिसाल के तौर पर मैं एप्पल के कॉल सेंटर पे फ़ोन करता हूँ तो वो अमेरिका में ही है, मुझे पता है ये बात है ना। जैसे पेनियर को हम जब कॉल करते हैं तो EST टाइम जोन के हिसाब से वो होता है, तो हमारे हिसाब से वो शाम को पता नहीं 4 बजे ओपन होता है उनका, उनके सुबह के 7 बजते हैं, तो इस तरह का कोई सीन होता है। तो हम उस, हमें पता होता है यार 4 बजे के बाद ही हम उसको कॉल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। या मिसाल के तौर पर PIA को अगर किसी ने कॉल करनी है तो वो, उनको पता है यार पाकिस्तानी एयरलाइन है तो पाकिस्तान में है ये, तो वो पाकिस्तानी टाइम जोन के हिसाब से हो रहा होगा जो भी हो रहा होगा, ठीक है। ये तुम्हारी बात वैसे सही है कि अगर कोई ऐसा चैटबॉट मैं बनाता हूँ जो मुझे दुनिया में हर जगह से एक्सेस करवाना है तो मैं उसका क्या करूँगा फिर, ठीक है। प्रॉब्लम उसमें सिर्फ उस वक्त आएगी जब बंदा कोई इस तरह की बात कर रहा हो, बंदा इस तरह की बात कर रहा हो कि आफ्टर 3 आवर फ्रॉम नाउ, अगर तो वो बोलता है ना 5 PM तब तो कोई इशू नहीं है, अगर 5 PM बोल रहा है तब इशू नहीं है ना। जब वो कोई बोलता है ना इस तरह की, अगर मैंने ऐसी कोई बात ही ऐड नहीं की अपने चैटबॉट में टाइम स्पेसिफिक, तो फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कहीं से भी यूज़ करे बंदा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जैसे होटल बुकिंग की अगर एक ऐप की मैं बात करूँ, अब जैसे मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ तो न्यूयॉर्क का एक होटल है उससे मैं बात कर रहा हूँ, है ना, होटल बुक कर रहा हूँ कि यार आई वॉन्ट टू बुक अ रूम इन योर होटल, तो अब वो पूछेगा कि यार आप कितने बजे आओगे, कितने रूम चाहिए, VIP रूम चाहिए, मैंने कहा सही है भाई VIP रूम दे दो, एक VIP रूम दे दो डबल बेड वाला, ये मैंने बात बता दी। और उसके बाद मुझसे पूछेगा कि यार आप चेक इन कितने बजे करोगे। अच्छा वैसे तो पर नाइट का हिसाब होता है, वैसे तो पर नाइट का हिसाब होता है कि जी अगर मैं किसी जगह पे अगर पहुंचा हूँ, मैं दिन के किसी भी वक्त पहुंचा हूँ मैं, और मैं जाऊँगा जब, और मैं होटल जब बुक करूँगा तो एक ही बात है, मैं सुबह 9 बजे बुक करके अंदर घुसूँ उसमें, या मैं शाम को 4 बजे करूँ, या मैं रात को 10 बजे करूँ, फ़र्क नहीं है कोई, मैं रात स्पेंड करूँगा तो रात स्पेंड करने के पैसे होते हैं असल में, ठीक है, तो फ़र्क तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसको पता होना चाहिए कि यार मैं कितने बजे आऊँगा ना, एक एवरेज पता हो अगर तो। अच्छा पता क्यों होना चाहिए, पता इसलिए होना चाहिए कि जो चेक इन और चेकआउट का एक टाइम होता है होटल के अंदर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर शायद किसी को ये बात ना पता हो तो सेम पेज पे लाने के लिए बता रहा हूँ। तो चेक इन और चेकआउट का एक टाइम होता है, मिसाल के तौर पर आप शाम को 4 बजे पहुँचे, आपने होटल में चेक इन कर लिया, ठीक है, तो अब अगले दिन आपको सुबह 10 बजे कहीं होता है चेकआउट, चेकआउट का टाइम कहीं 12 बजे दिन में होता है, तो सुबह 12 बजे तक आपने एग्ज़िट हो जाना है, सही है। अगर आप सुबह 12 बजे एग्ज़िट नहीं होते हैं तो अगली नाइट आपकी वो काउंट कर लेता है पूरी, है ना, पता होता है, लिखा होता है टाइम वहाँ पर। अच्छा कभी आधा पौना घंटा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर वो मतलब 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो फिर मना कर देते हैं वो, है ना, कहीं पे ऐसा होता है कि जो सिस्टम होता है जी वो 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो वो बोलता है नहीं पूरा काउंट होगा। तो कुछ ऐसे भी हैं, है ना, PC-VC टाइप के जो उन्होंने धंधा बनाया हुआ है कमाने का कि यार 10 मिनट भी ऊपर हो तो भाई हमारा तो सिस्टम है, हम क्या करें, हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं होता, हम तो बस चेकआउट ऐसे पंच करते हैं, तो इस तरह के सीन भी हैं। हाँ लेकिन जो ज़रा जैसे हम कभी इधर जाते हैं मरी वरी, या तो उधर बंदे इस तरह का सिस्टम नहीं होता कोई चेक मतलब पंच वाला, तो वहाँ पे वो मैनुअली सारा कॉपियों में चल रहा होता है,
ठीक है, कश्मीर में ये इस्लामाबाद के जो होटल हैं सारे, जो मतलब दही इलाकों के जो हैं, मेन सिटी वाले तो यही हैं सारे, थापड़ हैं, वो बोलते हैं बस पैसे जो लाए हो ना सारे दे के जाओ। मरी में भी अब इस तरह के वैसे खुल गए जो बोलते हैं पैसे सारे दे के जाओ, पता नहीं 50-50 हज़ार यार पर नाइट ले रहे हैं। मैंने कहा यार पागल तो नहीं है कोई 50 हज़ार पर नाइट देगा? मतलब 50 हज़ार में डिफेंस में बंगला मिल जाता है किराए पे, अगर अच्छे से तलाश करो ना तो 50 हज़ार महीने पे बंगला पूरा मिल जाता है किराए पे, पूरे महीने के लिए। कोई बंदा पता नहीं पागल ही होगा 50 हज़ार पर नाइट देगा, लेकिन मसला ये है कि वहाँ रश इतना लग जाता है तो वो सारा फुल हो जाता है, तो आखिर में फिर कोई ना कोई उधर फंसता है आके उनके पास, तो बस वो लेते हैं। और यहाँ कराची में भी ये जो पीसी वाले हैं ये भी 50 हज़ार पर नाइट ले रहे हैं भाई, इनका जो स्टार्टिंग है ना तो वो पता नहीं 25-30 हज़ार स्टार्टिंग था इनका, आज से पता नहीं 2-3 साल पहले मैंने चेक किया था 25-30 हज़ार स्टार्टिंग था इनका, अब तो 50 हज़ार से कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। और जो प्रेजिडेंशियल स्वीट है वो उस वक्त पता नहीं 2 लाख था पर नाइट, जो प्रेजिडेंशियल स्वीट वो होता है जो किसी भी 5 स्टार होटल में सबसे बड़ा रूम होता है, प्रेजिडेंशियल स्वीट एक या दो ही होते हैं बड़े होटल्स के अंदर भी ना, या अगर कोई दुबई शुबई का है तो उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं प्रेजिडेंशियल स्वीट, तो वो सबसे महंगा होता है। तो वो यहाँ पे भी है इनके पास एक एक प्रेजिडेंशियल स्वीट है, तो उसके तो पता नहीं 2 लाख लेते हैं ये। तो वेल, तो चेकआउट का ना एक टाइम फिक्स होता है होटल के अंदर, तो उस टाइम तक आपने रात को स्टे कर लिया आपने, तो आपने सुबह उस टाइम तक चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने का मतलब ये कि अपना सामान या तो आप पैक करके लाके काउंटर पे रख देंगे कि यार मेरा चेकआउट हो गया, या उधर ही लॉबी में फिर आप बैठे रहें। जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पे 12 बजे चेकआउट कर दिया लेकिन निकलना आपने 1 बजे है, तो 1 घंटा आपके पास आप क्या करोगे? तो आप सामान अपना काउंटर पर रख के या तो बैठ जाते हो वहीं चेकआउट, क्योंकि लॉबी शॉप में भी टीवी शीवी उन्होंने लगाई होती है और ज़रा मतलब लोग बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं आपस में, तो आप यहाँ तो वहाँ बैठ जाते हो या तो आप एग्ज़िट हो जाते हो पूरा बाहर, और एयरपोर्ट पे जाके फिर आप बैठे होते हो इसी तरह। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो अगली नाइट वो काउंट करता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आते हो सुबह किसी होटल में, आप सुबह पहुँचते हो अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे, तो सुबह 7 बजे अगर वो होटल फुल है ना, अगर तो फुल नहीं है वो, अगर तो वो फुल नहीं है तो वो तब तो आपको एक रूम दे देगा वो, और उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज करेगा, वो फिर नाइट का ही होगा हिसाब, यानी नाइट पास होगी जब ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सुबह 9 बजे पहुँचे तो वो 12 बजे आपका अगला दिन काउंट कर ले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई रूम खाली नहीं है, अगर कोई रूम खाली नहीं है तो सुबह 9 बजे आप पहुँच गए हो, तो अब आप क्या करोगे? अब आप बैठोगे लॉबी में, अब वो अपने पास चेक करके बता देगा कि जी फला रूम ना आज चेकआउट होने वाला है, क्योंकि वो चेक इन करते हुए पूछ लेते हैं कि आप जाओगे कब, तो उनको पता होता है कि अच्छा यार आज ये प्रॉबेबली चला जाएगा, तो आप बैठ जाते हो फिर। अच्छा, बैठने पे ना दो सिचुएशन हो सकती है, कभी तो ये होता है कि जी वो 12 बजे बंदा आ जाता है चेकआउट कर देता है, क्योंकि उसको ये फ़ोन तो नहीं करेंगे ना, हमारे पाकिस्तानी कर भी देते हैं शायद लेकिन गोरे नहीं करते, गोरे बोलते हैं भाई खुद आएगा उठ के तो ठीक है वो, या सम टाइम ऐसा होता है कि आप सर्विस ले लेते हो, चेक इन करते हुए बता देते हो कि मुझे चेकआउट के लिए ना बता देना, याद दिला देना मुझे इस टाइम पे चेकआउट है मेरा, तो वो फिर याद दिलाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं बोलते फिर। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है कि आप सुबह 7 बजे आके लॉबी में बैठे, आपने 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे आपने इंतज़ार किया 12 बजने का, क्योंकि रूम सारे फुल हैं, अगर तो फुल नहीं होते फिर तो आपको मिल जाता। 12 बजे पता लगा कि भाई कोई भी नहीं आया चेकआउट करने, जो चेकआउट वाले थे उन्होंने 1 दिन एक्सटेंड करा लिया, उनको प्रेफर करते हैं वो ऑलरेडी अंदर मौजूद है, अब आपके गेम उतर जाती है फिर। ये सीन हो गया ना आपके साथ अब, तो इन चीज़ों को जो है ना यानी जहन में रखते हुए कभी भी अगर ऑनलाइन आप होटल बुक करते हैं तो उसको टाइम पूछता है वो आपसे कि आप आओगे कितने बजे, तो अगर वो देखते हैं ना अच्छा यार 12 के बाद आ रहा है बंदा और 12 के बाद इस बंदे का चेकआउट है, तो वो फिर उसके बाद वाले स्लॉट में आपको डालता है, या अगर सुबह 7 बजे आप आ रहे होते तो फिर वो बोलता है नहीं यार सुबह 7 बजे अवेलेबल नहीं है। अब ये पूरा सिस्टम होता है होटल बुकिंग का जो उनके पास कंप्यूटर पर दिख रहा होता है, ज़्यादातर लोगों ने वैसे एक्सेल शीट बनाई होती है लेकिन सॉफ्टवेयर भी उसके बने हुए हैं, एक्सेल शीट पर भी दिख रहा होता है अच्छा ये बंदा इसने यहाँ से यहाँ तक है, तो सारे रूम लाइन से उस पर बने हुए होते हैं और हर दिन का एक वो अलग शीट बना रहे होते हैं, तो टाइम वो पूछ रहा होगा ना। तो मैं ये बता रहा था कि ये टाइम वाली बात पे कि अगर आप न्यूयॉर्क का एक होटल है उससे आप बात कर रहे हो है ना, तो वो आपसे पूछेगा कि यार आप कितने बजे आओगे, तो आपने बोला यार मैं दिन में 10 बजे आऊँगा मैं, तो दिन में 10 बजे का क्या मतलब है ये कि मेरे टाइम के हिसाब से नहीं उसके टाइम के हिसाब से दिन के 10 बजे, ठीक है ये बात तो फुलफिल्ड है। तो अगर बंदा ये बोल रहा है ना ये 5 PM या 1 PM, तो इसमें ये वाला टाइम जोन मैटर नहीं करता, ये वाला
ये टाइम जोन मैटर कब करता है, जब मैं ऑफसेट वाला टाइम बताऊंगा कि यार आफ्टर 3 आवर्स फ्रॉम नाउ या नेक्स्ट वीक अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, नेक्स्ट वीक में भी इसी टाइम से वो अगले 7 दिन कैलकुलेट मारता है कि यार आई एम कमिंग टुमोरो। अगर बोले ना बंदा कोई कि आई एम कमिंग टुमोरो, तो वो टुमोरो इससे कैलकुलेट मारेगा। अच्छा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया टुमोरो 5 PM तो फिर वो मसला हल हो गया, लेकिन टुमोरो 5 PM हो गया। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम शायद आ सकती है, अगर टुमोरो भी बोल रहा है ना बंदा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टुमोरो 5 PM जब बंदा बोलेगा ना, तो जैसे आज क्या डेट है, अभी मेरे पास आज है 21 सितंबर, तो मेरे डेट के हिसाब से ना वो टुमोरो पहले तो उसने निकाल लिया जो कि 22 है, 22 सितंबर है, ठीक है, और मैंने बोला टुमोरो 5 PM तो 5 PM निकाल लिया। अब उस वो टाइम सामने वाले को मिलेगा टुमोरो 5 PM। अच्छा, उसके पास जो है ना ऑलरेडी 22 है, मिसाल के तौर पे एक दिन आ गया है वो मेरे से, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वो एक दिन आ गया है मेरे से, तो वो ऑलरेडी 22 है। अब जब मेरा 22 उसके पास पहुँचेगा ना, तो एक्चुअली 23 बन के पहुँचेगा। तो अगर टुमोरो भी कोई बोलता है ना, तो उसमें भी इशू आ सकता है। मेरा 22 उसके पास 23 बन के पहुँचेगा, और 23 का पता नहीं कोई दिन के 10 बज बजेंगे शायद, क्योंकि मैंने 5 PM बोला था, तो 10 घंटे अगर मेरे से आ गए तो वो सुबह के 10 बजे शायद बताएगा। तो ये वाला टाइम जोन स्टिल इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, थोड़ी डिज़ाइन थिंकिंग भी कर लेते हैं ना लगे हाथों, कि क्या इस टाइम जोन को मैं मल्टीपल टाइम जोन के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकता था? मल्टीपल टाइम जोन के लिए क्या मैं उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ किसी भी तरह से? यानी मैंने दो मसले बताए, एक तो फ्रॉम नाउ कि भाई 2 आवर फ्रॉम नाउ, और या मैं बोलूँ टुमोरो या डे आफ्टर टुमोरो, इस तरह की कोई बात करूँगा तो ये वाले से ऑफसेट पकड़ता है। तो इसका क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसमें मैं मल्टीपल टाइम जोन दे दूँ, और मैं बोलूँ यार अमेरिका वाला आया तो वो इस टाइम जोन के हिसाब से, अगर एशिया वाला आया तो इस टाइम जोन के हिसाब से? ट्रेन कर सकते हैं इसको, हाँ ट्रेन कर सकते हैं इसको अपनी मर्जी से, कि भाई अगर आप उससे उसका टाइम जोन पूछो पहले, उसके बाद आप कोई सी ट्रेन कर लें। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन फिर वो डायलॉग फ्लो, फिर वो जो प्रोसेस करता है ना NLU, वो नहीं कर पाएंगे, फिर हमें वो अपना NLU लगाना पड़ेगा। तो दोस्त ने ये कहा कि जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर इसको लगाते हैं ना, तो उस वेबसाइट के ऊपर हम क्या करें, हर दफ़ा उससे टाइम भी हम लें, जब कोई रिक्वेस्ट आए तो उस वक्त सिस्टम का टाइम उठा के भेजें। अब सिस्टम का टाइम उठा के भेजने में तो एक तो फ्रंट एंड का टाइम हम उस पर डिपेंड नहीं करते कभी, फ्रंट एंड का टाइम ज़्यादातर कंप्यूटरों में गलत होता है, आज भी 2023 में भी ज़्यादातर कंप्यूटर में फ्रंट एंड के ऊपर जो टाइम सेट है वो गलत होता है, ठीक है, तो इसलिए हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, गलत किस सेंस में होता है, कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें तो टाइम गलत ही होता है ना, उसमें जो सेल होता है मदरबोर्ड पे छोटा सा एक, तो वो सेल ख़त्म हो जाता है। अब वो सेल ख़त्म होता है तो आप जैसे स्विच ऑफ करते हो, पावर कभी तो जाएगा नहीं, पावर ऐसा तो नहीं होगा कभी पावर ना जाए, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो आम प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप उसको शट डाउन नहीं करते, यानी कंप्यूटर की कंपनीज जो उसको बनाती है ना, वो इस हिसाब से बनाती हैं कि आप उसको शट डाउन नहीं करोगे, आपने बस यूज़ किया और यूज़ करके आपने ऐसे हाथ हटा लिया, वो थोड़ी देर में खुद ही लॉक हो जाएगा, खुद ही अपनी स्क्रीन बंद कर लेगा, फिर स्लीप मोड में चला जाएगा, और फिर वो बत्ती ब्लिंक करने लग जाती है उसकी, ये स्लीप में ही, ठीक है, और मॉनिटर भी थोड़ी देर में क्या होता है, खुद ही पावर सेविंग मोड में चला जाता है और बंद हो जाता है। तो वो तो इस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ होता है, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो लगे हुए हैं, तो जब ये बिल्डिंग बंद हो जाती है रात को, तो 11 बजे या 12 बजे जब भी बिल्डिंग बंद होती है, ये तो एक ब्रेकर लगा हुआ है इस पूरे फ्लोर का, उस ब्रेकर को बंद कर दिया जाता है, जब यहाँ का काउंटर वाला बंदा चला जाता है तो वो ब्रेकर को बंद करके जाता है ना, ताकि रात को गार्ड तो यहाँ मौजूद है, लेकिन गार्ड के होते हुए अगर किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट हो या कोई चीज़ हो, तो गार्ड को थोड़ी पता है कि क्या करना है, तो इसलिए लिहाजा वो ब्रेकर ही बंद कर देते हैं। तो इन तारों में करंट होता ही नहीं है रात को जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो ब्रेकर बंद होता है, सारे कंप्यूटर में पावर ख़त्म हो जाती है। अब वो सेल जब तक ठीक है, जब तक टाइम उसको कैरी करता है, जिस दिन वो सेल ख़त्म होता है उस दिन वो टाइम को भूल जाता है। अच्छा, कुछ डिवाइसेस तो ऐसी हैं जिनके अंदर ये वाला मसला ही हल कर लिया है उन्होंने, जैसे लैपटॉप डिवाइस जो है, इसके अंदर तो ये वाला मसला नहीं है, ठीक है, इसमें इवन अगर आप शट डाउन भी कर देते हो तो बैटरी अच्छी खासी बड़ी होती है, 4-5 हज़ार mAh की बैटरी होती है लैपटॉप में आमतौर पर, तो वहाँ से उसको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, बावजूद इसके कि लैपटॉप में भी उस पर सेल होता है, एक मदरबोर्ड पे एक सेल होता है जो उसका प्राइमरी काम यही होता है कि अगर बैटरी अलग हो जाए ना तो स्टिल वो सेल फंक्शन कर रहा हो। तो फिर कुछ एप्पल की जो डिवाइसेस हैं, जैसे आईफोन और ये मैकबुक और ये जो इनका आई मैक है घर में रखने वाला, तो उसमें भी इसी तरह होता है कि जी लैपटॉप और मोबाइल में तो चलो बैटरी है, बड़ी बैटरी मौजूद है, चार्जेबल है, लेकिन जो घर पे रखने वाला मैक होता है
उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया होता है, मदरबोर्ड पे सेल लगाया हुआ होता है, वो सेल ख़त्म होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, इन्होंने ये एक काम अच्छा किया हुआ है एप्पल वालों ने, कि इन्होंने ना टाइम सेट करने वाला काम ख़त्म कर दिया है। एप्पल का अपना सर्वर है, वहाँ से ये टाइम गेट करता है, लेकिन मसला है उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट मिलेगा तो वो टाइम गेट करेगा ना। तो अच्छा, विंडोज़ में भी ऑप्शन शायद आ गया अभी कि वो सर्वर इंटरनेट से टाइम गेट कर लेते हैं ना, लेकिन उसके लिए भी एक काम करना पड़ता है, उसके लिए टाइम जोन सेट करना पड़ता है। अगर टाइम जोन गलत है आप, क्योंकि कंप्यूटर आया है अमेरिका से, इंपोर्ट हो गया, तो जब वो डब्बा खुलता है तो उसके अंदर अमेरिकन टाइम जोन सेट हुआ होता है, कभी आप अगर रीसेट मारते हैं ना अपने कंप्यूटर को तो भी वो अमेरिकन टाइम जोन पे उसको सेट करता है। तो वो भी एक मतलब है, केओस अभी भी है, ये आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक हो रहा है। ये अब जो नई डिवाइसेस आ रही हैं उसमें, जैसे एप्पल के डिवाइस है ना, वो सेंस कर लेती है कि अभी कहाँ पर है, क्यों कि एप्पल के लैपटॉप में और मोबाइल में दोनों में जीपीएस लगा हुआ होता है, इसी तरह एंड्रॉयड के जो फ़ोन में जीपीएस लगा हुआ होता है, तो वो तो सेंस कर लेता है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, ठीक है। इवन ये एंड्रॉयड में ये होता है कि आप कहीं मूव करते हो ना, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हो आप, तो टाइम ऑटोमेटिकली दो टाइम आना शुरू हो जाता है, एक लोकल टाइम और एक वहाँ का टाइम, ठीक है, ऑटोमेटिक इतना तो इन्होंने कर दिया। तो लेकिन स्टिल ये केओस है, तो मैं फ्रंट एंड के टाइम पर डिपेंड नहीं कर सकता। अच्छा, फिर फ्रंट एंड के टाइम पर अगर मैं डिपेंड कर भी लूँ, तो मसला ये है कि फ्रंट एंड पे हमेशा टाइम अवेलेबल नहीं होता, फ्रंट एंड पे टाइम हमेशा अवेलेबल नहीं होता। चलो, तो एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट में तो मेरे हाथ में कंट्रोल है कि यार मैं हर दफ़ा हर रिक्वेस्ट के साथ टाइम भी भेजता हूँ, लेकिन अगर मैंने फेसबुक मैसेंजर पर लगाया हुआ है वो तो नहीं भेजता टाइम, या अगर मैंने व्हाट्सएप के मैसेंजर पर लगाया हुआ है, व्हाट्सएप से बंदा मुझसे बात कर रहा है, तो वो तो नहीं टाइम भेजेगा, है ना। या मैंने अगर लगाया हुआ है टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे, या ये सब जगहों पे ही तो लग रहे हैं आजकल चैटबॉट, फेसबुक के पेज पे लगा हुआ होता है, तो जी अगर जैसा होटल है कोई तो उसका फेसबुक का पेज है, अब मैं फेसबुक के पेज को मैसेज करूँगा तो मुझे एक चैटबॉट जवाब देगा, और यहाँ पे बात चल रही है पूरी की पूरी, ठीक है। वहाँ पे मेरा प्रोफाइल तो जाएगा साथ साथ, हर रिक्वेस्ट के साथ मेरा प्रोफाइल, मेरी ईमेल तो जा रही होगी, लेकिन मेरा टाइम नहीं जा रहा होता, कुछ में शायद जा भी रहा हो लेकिन ज़्यादातर में नहीं जा रहा होता। लेकिन चलो, वहाँ से भी अगर वो टाइम भेज रहा है तो वो कौन सा भेज रहा है, वो टाइम स्टैम्प भेज रहा होता है मोस्टली, अगर वो भेज भी रहा हो तो टाइम स्टैम्प होगा जो टाइम जोन इंडिपेंडेंट होता है, तो उससे ये नहीं पता लगेगा कि टाइम जोन कौन सा है, वो जस्ट टाइम पता लगेगा, है ना। आपको पता ना, टाइम और टाइम जोन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो टाइम जो एक्चुअल में जो चल रहा है वो ईपॉश टाइम जोन है, जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा भी था, है ना, कि जब न्यू डेट करते हैं हम तो जो मुझे टाइम मिलता है वो मिली सेकेंड्स में मिलता है, यानी 1970 से लेके अभी तक का जो मिली सेकेंड है ना वो असल टाइम है, ठीक है। 1970 से उसको काउंट कर रहे हैं ये मिली सेकेंड्स को, तो 1970 से अभी तक का जो मिली सेकेंड है ना एक्चुअल टाइम वो है, जिसको कहते हैं टाइम स्टैम्प, है ना, ये उसको ईपोश कहते हैं। और वो टाइम कहाँ का होता है, वो ग्रीनविच का होता है, ग्रीनविच एक सिटी है शायद या एक मुल्क है, वहाँ का टाइम जोन होता है, ठीक है, वो ना ही प्लस में है ना माइनस में, वो दरमियान में, वो ज़ीरो पे, तो वहाँ का टाइम होता है। तो जब मुझे टाइम स्टैम्प मिल जाता है तो उसको मैं फिर कन्वर्ट करता हूँ, जहाँ का टाइम बनाना है तो वहाँ के लिए मैं कन्वर्ट करता हूँ, अगर मुझे प्लस फाइव में लाना है तो उसमें मैं 5 घंटे प्लस करता हूँ, फिर यहाँ का टाइम बनता है। तो इस तरह से, तो डेटाबेस में जब भी हम टाइम सेव कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम टाइम स्टैम्प सेव करते हैं, ठीक है। उसमें जैसे फेसबुक की अगर पोस्ट की हम बात करें, तो फेसबुक में जब पोस्ट जारी होती है तो फेसबुक की पोस्ट के साथ ना टाइम स्टैम्प लगा हुआ होता है। तो अगर अमेरिका से बैठ के किसी ने पोस्ट किया अभी, राइट नाउ, अभी, ठीक है, तो अभी वहाँ पे जो भी टाइम हो रहा होगा वो उस टाइम पे उसको शो होगा, उसके खुद को उसको। अच्छा, लेकिन वही पोस्ट जब मैं देखूँगा ना तो मुझे शो हो रहा होगा मेरा टाइम के हिसाब से, वो है ना। वैसे तो उसमें मेरे टाइम में वो बोलेगा 5 मिनट अगो, ऐसे बोलेगा, उसको भी यही बोलेगा, मेरे को भी यही बोलेगा 5 मिनट अगो, लेकिन उसको कैसे पता। तो उसको असल में मिलता है टाइम स्टैम्प, और जब मैं यहाँ से खोलता हूँ ना फ्रंट एंड से, तो फ्रंट एंड पे मेरा टाइम जोन क्या सेट हुआ उसको दिख जाता है, तो उसको कन्वर्ट मारता है। और ये जावास्क्रिप्ट में ऑटो होता है, ये कुछ करना नहीं होता इसके लिए, ठीक है। तो वेल, हम क्या कर लेते हैं इसको, अब ज़रा इंग्लिश लैंग्वेज टाइम जोन प्लस वन और लोकेशन यूएसए, सही है, लोकेशन सर्वर की है, टाइम जोन जो बात होगी उससे ताल्लुक है। क्रिएट का बटन दबा देते हैं ज़रा। अच्छा जी, ये मेरे पास बनकर आ गया। अच्छा, इसमें ये एक स्टार्ट पेज के हिसाब से ये मौजूद है। अच्छा, ये पेज जो इन्होंने नाम रखा है ना, ये असल में जैसे वेबसाइट कोई बना रहे होते हैं ना, जो अगेन लास्ट जो मैं कह रहा था ना कि जो मेरा जो विजन है चैटबॉट को लेके, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि जो मोबाइल ऐप में जो जो काम होते हैं ना सारे, वो सारे चैटबॉट में होंगे,
अगर अभी नहीं भी हो रहे हैं तो होंगे वो, ठीक है। तो इन्होंने किसी हद तक उसको मैच कर लिया है, किसी हद तक ये उसी आइडियोलॉजी पे आ गए हैं। तो इन्होंने बोला ना कि यार एक स्टार्ट पेज होगा, जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना, तो वेबसाइट पे क्या होता है कि जब आप google.com लिखते हो या facebook.com लिखते हो तो एक पहला पेज खुलता है एक्चुअली, है ना। या किसी कॉफ़ी शॉप की आपने वेबसाइट खोली है ना, तो क्या होता है कि पहला पेज खुलता है। अच्छा, उस पेज में क्या होता है, उस पेज के अंदर सारे के सारे कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है ना। कौन से कंट्रोल होते हैं कि जी, अब एक तो उस पेज पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी, और उस पेज के ऊपर बटन्स होंगे जिससे आप दूसरे पेजेस पे जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप समझ लो ये स्टार्ट पेज ना, ये उसी तरह की एक चीज़ है जो इन्होंने बनाई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब क्विक लैब में देखते हैं आगे। क्रिएट एजेंट हो गया, इसने नाम बता दिया, और ये ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। और हम अच्छा अच्छा इसने कहा कि आफ्टर क्रिएटिंग एजेंट नेविगेट टू एजेंट सेटिंग जर्नल लॉगिंग सेटिंग एंड चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू इनेबल क्लाउड लॉगिंग टू इनेबल इंटरेक्शन लॉगिंग। कह रहा है कि लॉग्स को जाके ना आपने इनेबल कर देना है, ताकि क्या हो, जो भी बातचीत हो रही हो ना, उसका जो गूगल क्लाउड स्टैक जो है, आई थिंक वहाँ पे वो लॉग उसके मेंटेन हो रहे हो, ठीक है। तो आ जाते हैं जी हम ऐप एजेंट सेटिंग जनरल लॉगिंग, एजेंट सेटिंग कहाँ गया, किस पे क्लिक कर दिया मैंने, गलती से किसी और पे कर दिया। अच्छा, ये एजेंट सेटिंग यहाँ पर है, यहाँ पर एजेंट सेटिंग, एजेंट सेटिंग हो गया। और जी क्या हो गया, और क्या बताया था इसने, नेक्स्ट जनरल, जनरल के अंदर लॉगिंग। अच्छा, जनरल पे हम पहले से मौजूद हैं, अब हम इसमें लॉगिंग, हाँ जी इनेबल लॉगिंग, ठीक है, और इनेबल इंटरेक्शन लॉगिंग, ठीक हो गया जी, ठीक है। एजेंट को लॉक भी कर सकते हैं, ये एक नया फीचर है जो ES में नहीं था, ठीक है जी। ये दोनों काम कर दिए, और ये दोनों काम करके सेव का बटन है, सेव का बटन नहीं है, नहीं है सेव का बटन, ये रहा, ठीक है जी, सेव कर दिया मैंने। अच्छा, अब देखते जाते हैं और आगे करते जाते हैं इसको। अच्छा, ये चेक माई प्रोग्रेस अब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया हुआ ना, तो ये वो वाली, असल में ये क्या है, ये प्रोग्रेसिवली चल रहा होता है। तो एक कंप्लीट करते हो आप, चेक करते हो, और वो उसको चेक करके बोलता है हाँ यार ये सही हो गया। अब मेरा ये अभी अलग अकाउंट में कर रहा हूँ, तो इस पर ये चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए ये चीज़ डिसेबल आ रही है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, यू मस्ट इनेबल डायलॉग फ्लो API फॉर योर प्रोजेक्ट टू बी एबल टू एक्सेस डायलॉग फ्लो CX कॉन्सोल। ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है, ठीक है। जब तक डायलॉग फ्लो की API को इनेबल नहीं करोगे आप, कॉन्सोल खुल तो जाता है लेकिन उसके ऊपर वो कुछ करने नहीं देता आपको, ठीक है, तो आपको वो इनेबल करना ही पड़ता है एक्चुअली। अच्छा जी, अब है टास्क नंबर टू इसके अंदर, दैट इज इंटेंट्स। अच्छा, इंटेंट क्या होता है, इंटेंट निकला है इंटेंशन से, ठीक है। तो अच्छा, वैसे इंटेंट जो है ना वो मोर ऑब्वियस वर्ड है हमारे, यानी हमारे डायनेमिक्स के हिसाब से ना, अगर मैं इंटेंट बोलूँगा ना किसी को, तो शायद वो उस तरह से बात ना समझे। मैं इंटेंशन बोलूँगा तो समझ जाएगा वो, इंटेंशन हमें ज़्यादा समझते हैं। अच्छा, गोरे ना इंटेंट को ज़्यादा समझते हैं, गोरे क्या समझते हैं, इंटेंट को ज़्यादा समझते हैं, तो इसलिए इन्होंने शायद उनके हिसाब से रखा है, तो ये ज़्यादा रेलेवेंट नाम रखा है। अच्छा, तो जैसे अगर कोई बंदा आया ना, अगर कोई बंदा चाकू हाथ में लेके आ गया अंदर, तो मैं उससे क्या पूछूंगा, व्हाट इज़ योर इंटेंट, या जैसे अगर उर्दू में पूछूं मैं, तो मैं बोलूँ यार क्या इंटेंशन है आपकी, चाकू लेके आप क्यों आए हैं, ऐसे होता है ना। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि व्हाट इज़ योर इंटेंट, कि जो आप चाकू लेके आए वो करने के आए हो आप, ठीक है। अच्छा, इंटेंट जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, आपको समझ आ जाता है। एक बंदा अगर चाकू लेके अंदर आया है, तो वो उसका इंटेंट क्या हो सकता है, वो आपको मोस्टली समझ आ जाता है कि यार ये इंटेंट होगा इसका, ठीक है। या मिसाल के तौर पे कोई बंदा बैग लेके अभी अंदर, बैग लटका के गेट से एंटर होता है अभी, ठीक है, तो मुझे उसका इंटेंट समझ आ जाएगा, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार पीछे बैठ जाए, अभी आपकी थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, हमारे पास क्योंकि 10 मिनट रह गए, अभी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है यहाँ पे ना, तो मुझे पता हो जाएगा कि यार ये बच्चा अगर बैग लटका गया है तो ये नेक्स्ट क्लास का बच्चा होगा, तो मुझे इंटेंट क्या होता है समझ आ जाता है। अच्छा, तो चैट बॉट के अंदर भी इंटेंट जो होता है ना, वो क्या होती है कि बंदे की इंटेंशन क्या है, उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए इंटेंट से समझ रहे होते हैं, ठीक है।
मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कहता है कि जी गिव मी वाटर, तो ये एक इंटेंट है कि वो पानी मांग रहा है। अच्छा, एक बंदा अगर बोलता है जी प्लेस ऑर्डर या गिव मी पिज़्ज़ा या नोट माई पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो इन तमाम मतलब का क्या मतलब है? ये वो पानी मांगने वाला इवेंट इंटेंट नहीं है, ये उसको ऑर्डर करने वाला इंटेंट है ना। तो ये डिफरेंट इंटेंशंस को हम इंटेंट पहले से हम बना देते हैं, है ना। पहले से हमारी ऐप के अंदर हमें पहले से ये बात पता होती है कि कौन कौन से इंटेंट को लेकर बंदा हमारी ऐप के अंदर आ सकता है। ठीक है, मिसाल के समझाता हूँ। जैसे एक होटल बुकिंग का चैट बॉट अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जी मोटे मोटे इंटेंट जो है ना वो हमें पता होते हैं कि जी बंदा आके ये बोल सकता है कि जी बुक अ रूम, तो ये एक इंटेंट हो गया। अच्छा, या बंदा आके बोल सकता है कि यार आई हैव अ कंप्लेन, ये एक दूसरा इंटेंट हो गया। ठीक है, और या फिर बंदा आके कह सकता है कि यार व्हाट टेल मी अबाउट योर प्राइसिंग या व्हाट आर योर प्राइसिंग्स, तो ये तीन इंटेंट हो गया। अच्छा, तो ये तीन मोटे मोटे इंटेंट हैं, और भी हो सकते हैं चार पाँच। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले से ना उसके अंदर इंटेंट क्या कर देता हूँ, बना देता हूँ अपने चैट बॉट में। और मैं अपने चैट बॉट को पहले ही रेडी कर लेता हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात करे बंदा तो उसको किस तरह से आपने जवाब देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो पूछता है कि यार व्हाट आर योर प्राइसिंग्स, तो मेरे पास उसका एक फ़िक्स जवाब होता है कि मैं वो जवाब उसको रिटर्न करता हूँ फ़ौरन। मैं कहता हूँ यार एक पैराग्राफ भेज दो कि सारी प्राइसिंग, या लिंक भेज दो प्राइसिंग के पेज का कि जी प्राइसिंग हमारी जो है ना ऑप्टिमम है और ये लिंक पे आप जाके देख सकते हो क्या है। तो इस तरह का कोई फिक्स मेरे पास जवाब होता है। ठीक है, अच्छा फिक्स बिल्कुल फिक्स नहीं होता, थोड़ी वेरिएशन होती है। मैं क्या करता हूँ, एक ही जवाब के ना तीन चार वेरिएशन बना लेता हूँ ताकि वो हर दफ़ा अलग अलग बदल बदल के दे, ताकि ज़रा यूज़र को लगे कि हाँ यार मैं बिल्कुल मशीन से सर नहीं मार रहा। या सम टाइम होता है ना एक जुमले पे समझ नहीं आता, तो उसी जुमले को ज़रा दूसरे अंदाज से तीसरे अंदाज से ना, तो दो तीन वेरिएशन उस जवाब की हम बना देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई बंदा बोलता है ना कि व्हाट आर योर प्राइसिंग, इसी चीज़ को बंदा किसी दूसरे अंदाज में भी तो बोल सकता है। तो मेरा जो इंटेंट होता है ना उसमें मैं ट्रेनिंग फ्रेजेस भी उसके क्या देता हूँ, मल्टीपल देता हूँ, चार पाँच छः देता हूँ ना ट्रेनिंग फ्रेजेस, कि जी बंदा ये भी बोल सकता है कि यार सिर्फ प्राइसिंग बोले तो भी समझ जाओ आप, सही है, या बोले कि यार टेल मी अबाउट योर रेट्स या हाउ एक्सपेंसिव योर रूम्स है ना, या व्हाट आर योर चार्जेस। तो ये मैं ट्रेनिंग फ्रेजेस में चार पाँच छः दे देता हूँ जुमले, लेकिन वो तमाम के तमाम जुमलों का क्या होना चाहिए, इंटेंट सेम होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसके अंदर कोई बीच में ये भी लिख दूँगी गिव मी वाटर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो ट्रेनिंग ख़राब हो जाएगी फिर सारी, वो किसी दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करने लग जाए। वेल, तो हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे तरीके से एक इंटेंट बनाते हैं। इंटेंट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो ट्रेनिंग फ्रेजेस कुछ लिखते हैं कि जी ये बातें बंदा बोले अगर, तो आप समझना कि इसका इंटेंट क्या है, ये प्राइसिंग के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके जवाब में मेरे पास जो जवाब होते हैं वो भी तीन चार अलग अलग वेरिएशन होते हैं कि जी इनमें से ना कोई एक आप रैंडमली उठा के दे देना उसको, तो वो समझ जाएगा कि क्या जवाब है। ये वाली बात सबको समझ आई? अच्छा, अभी बना भी लेते हैं इंटेंट हम जल्दी से। अब ये क्या लिखते हैं ये ज़रा पढ़ लेते हैं, इंटेंट आर द रीज़न। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, जो ट्रेनिंग फ्रेजेस मैंने लिखे ना चार पाँच अपनी मर्ज़ी से, चार पाँच जो जुमले मैंने ट्रेनिंग फ्रेजेस में लिखे हैं कि जी बंदा ये भी बोल सकता है व्हाट आर द प्राइसिंग, व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट इज़ योर रूम प्राइस, इस तरह मैं चार पाँच बोला। डायलॉग फ्लो वाले ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने पीछे डीप लर्निंग लगाई हुई है, जिसके ज़रिए ये क्या करते हैं कि आपने अगर पाँच जुमले लिख दिए हैं किसी भी इंटेंट के, आपने पाँच या चार जुमले लिख दिए हैं अगर, या छः जुमले लिख दिए हैं, तो अब उस बात को बंदा किसी भी अंदाज से बोले तो उसको ये समझ जाता है इंटेंट को। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला कि जी हमने पीछे डीप लर्निंग लगाई भी, और उससे हम क्या करते हैं उन पाँच जुमलों को लेते हैं और उसको 500 जुमले बना लेते हैं उसके, तो वो तमाम पॉसिबल जो जितने भी जुमले हो सकते हैं ना यानी उस बात को कहने के, तो सब पीछे जनरेट मार लेता है वो AI के थ्रू, हमें नहीं दिखता, लेकिन वो बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा होता है। तो अगर बंदा किसी दूसरे अंदाज में भी बोले तो उसको वो अंडरस्टैंड करता है, इंटेंट हिट हो जाता है वो। अच्छा, फिर अब सवाल ये है कि अगर यार मैंने चार इंटेंट बना दिए, अब बंदा कोई पाँचवीं बात कर देता है फिर क्या होगा? तो फिर हम उससे माजरत करते हैं, बोलते हैं भाई हमें इसका जवाब नहीं पता, और सम टाइम उस जुमले को हम डेटाबेस में नोट भी कर लेते हैं कि जी बंदे ने ये सवाल पूछा था जिसका चैट बॉट के अंदर कोई जवाब मौजूद नहीं था, चैट बॉट में कोई ऐसा इंटेंट मौजूद नहीं था जो इस बात का जवाब दे सकता। ठीक है, तो उसके लिए एक एक फॉल बैक होता है, तो
तो वो फॉल बैक के अंदर हमने एक फिक्स जवाब लगाया होता है, मतलब फिक्स का मतलब है कि तीन चार उसकी भी वेरिएशन होती है कि सॉरी आई मिस दैट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, या बोलते हैं कि सॉरी आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं है मेरे पास, तो मैंने नोट कर लिया है लेकिन, है ना, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम देखेंगे। या आप सम टाइम हम ये करते हैं कि हम बोलते हैं यार आप अपना नंबर दे दो, हम कॉल बैक कराते हैं आपको, ठीक है, इस बात का जवाब मुझे नहीं पता। तो इस तरह की कोई भी बात मैं उससे एज अ फॉल बैक ये मैं उसको कह देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इंटेंट्स, जो नंबर ऑफ इंटेंट्स है ना हमारे पास चैटबॉट में, वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और उस जी हाँ नहीं, डेटाबेस तो कनेक्ट होगा ना, अभी हम डेटाबेस नहीं कनेक्ट कर रहे लेकिन इंशाल्लाह ये डायलॉग फ्लो के साथ डेटाबेस भी कनेक्ट होगा। हमने MongoDB पढ़ा ही इसीलिए और सर्वर हमने पढ़ा ही इसीलिए कि ये सर्वर पे हिट मारेगा एक रिक्वेस्ट, बोलेगा यार इस नंबर को डेटाबेस में डालो, ये बंदा है इसने कॉल की थी या इसने बात करने की कोशिश की थी, इसका ये मसला था, इसको जवाब नहीं दिया हमने, है ना। तो ये डेटाबेस तो हमारा कनेक्ट होगा इसके साथ जब भी हमने पढ़ा है, वरना पढ़ते ही नहीं डेटाबेस हम। अच्छा फिर दूसरा, ये कन्वर्जेशन हिस्ट्री भी डेटाबेस में अगर सेव करानी है मैंने, तो उसके लिए भी मुझे डेटाबेस चाहिए, तो काफ़ी चीज़ों के लिए मुझे डेटाबेस चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जी इंटेंट होगा, इंटेंट का ट्रेनिंग फ्रेज होगा जिससे वो हिट होगा इंटेंट, और हर इंटेंट का कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। चार पांच इंटेंट बना देंगे मोटे मोटे, या 10 या 20 या 50 इंटेंट हम बना देंगे, उसके अलावा कोई बंदे ने नई बात कर दी अगर, तो उसको फॉल बैक वाला जवाब मिला करेगा। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा है ये देख लेते हैं। इंटेंट आर द रीज़न फॉर एन एंड यूज़र हैज़ फॉर इंटरेक्टिंग विद एजेंट। कह रहा है इंटेंट ही एक रीज़न है जिससे बात शुरू होगी, कहानी शुरू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डरिंग समथिंग, अब अगर कोई पिज़्ज़ा की शॉप है या कोई ऐसी फूड ऑर्डर करने वाली शॉप है, तो वहाँ पर जाके वो ऑर्डर करेगा जब कुछ बंदा, तो वो कोई इंटेंट हिट होगा। तो यू कैन क्रिएट एन इंटेंट फॉर एवरी टॉपिक दे मे वॉन्ट टू नेविगेट। कह रहे हैं कि जी आपने हर उस टॉपिक के लिए, जो एक पिज़्ज़ा की शॉप में आके बंदा जो बातें कर सकता है, तो हर टॉपिक के लिए एक इंटेंट बना देना है, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा की शॉप में आके बंदा ऑर्डर कर सकता है, सबसे पहला तो इंटेंट ये है, ठीक है। अच्छा फिर उसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो शायद मेन्यू पूछ सकता है कि मेन्यू में आपके क्या है, ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपके पास क्या है, या वो ये पूछ सकता है कि जी डू यू हैव फ्री वाईफाई, इस तरह की बात पूछ सकता है वो। हाँ नहीं, वो तो ऑर्डर के दरमियान में होगा, वो जो है ना कि अब ऑर्डर कर रहा है बंदा, तो क्या ऑर्डर कर रहा है, यानी फ्लेवर भी एक्चुअली मेन्यू का पार्ट होता है ना, तो वो यानी जब मैं बोलूँगा ना कि यार दो बिरयानी दो मुझे, तो अगर उसमें कोई पैरामीटर मजीद है ना, तो उसी वक्त पूछूँगा फिर मैं, वो अभी आगे आएगा इंशाल्लाह कि जी बिरयानी स्पाइसी चाहिए या नॉर्मल चाहिए, ये पूछूँगा। सही है, फिर साथ में उसके अगर बिरयानी के साथ रायता सर्व किया जाता है, तो मैं पूछूँगा यार रायता चाहिए कि नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारा वो उस ऑर्डर वाले इंटेंट के। फिर असल में अभी तो मैंने ये बोला ना कि इंटेंट का एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, यानी ट्रेनिंग फ्रेज होगा और उसका जो है ना जवाब होगा, लेकिन उसके बीच में हम उससे कुछ पैरामीटर्स भी ले रहे होंगे जो अभी हमने नहीं डिस्कस किया, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, तो वो उसमें डिस्कस होगा सारा। अच्छा जी, इंटेंट कैन बी रीयूज अक्रॉस पेजेस एंड फ्लोज। अच्छा अब ये पेजेस और फ्लोज क्या चीज़ हैं। पेजेस तो समझ लो कि ये जो मैंने जैसे ही चैटबॉट बनाया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया था मेरे पास, एक अदद पेज आ गया था, सही है, ये एक अदद मेरे पास पेज आ गया, तो ये पेजेस हैं। अच्छा अब क्या होगा, जैसे एक वेबसाइट के अंदर होता है ना कि जी एक पेज पे आप पहुंचते हो पहले, और वहाँ पर डिफरेंट बटन्स होते हैं, एक बटन होता है जी कॉन्टैक्ट अस का, तो आप कॉन्टैक्ट अस पे आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं, तो इस तरह ये पहला पेज है। तो कह रहा है कि जी इंटेंट जो है ना, असल में इंटेंट क्या होते हैं, किसी भी पेज से उसको मैं एसोसिएट कर सकता हूँ, इंटेंट को किसी भी पेज से मैं एसोसिएट कर सकता हूँ, और एक ही इंटेंट को मैं मल्टीपल जगहों पर यूज़ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि जी बंदा जब बोले ना कि यार यस, एक इंटेंट मैंने बोला यस, तो अब उस यस वो कई जगहों पे मैं यस का बात हो सकती है, कई जगहों पे मैं उससे पूछ सकता हूँ कि यार डू यू वांट रायता, डू यू वांट, तो इनका जवाब यस होगा, तो उन जगहों पे मैं उस यस वाले इंटेंट को मैं चला सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब वो कैसे चलाऊँगा, वो अभी जब चलाएंगे तो पता लग जाएगा। तो इसने ये बात की है कि जी इंटेंट कैन बी रीयूज, तो इंटेंट जो मैं एक बनाऊँगा ना, वो क्या होगा, रीयूजेबल होगा, उसको बाद में भी कहीं और भी लगा सकता हूँ, एक ही इंटेंट को तीन चार जगह लगा सकता हूँ। ईच इंटेंट इज डिफाइंड बाई ट्रेनिंग फ्रेजेस, ठीक है, एंड यूजर टिपिकली आस्क कि ईच, एक इंटेंट के अंदर क्या होगा, एक तो ट्रेनिंग फ्रेज होगा कि जी ये बात पे ट्रेन हो जाओ, और ये बात जब बोले तो आपने हिट होना है। दीज कैन बी एनोएटेड और लेबल्ड टू कलेक्ट स्पेसिफिक पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा अब ये इसने क्या बात की कि जब आप इंटेंट बना रहे हो ना, तो ट्रेनिंग फ्रेज तो आपने दे दिया, बंदे ने बोला कि भाई
आई वॉन्ट टू बुक रूम, तो पता लग गया कि रूम बुकिंग हो रही है। अब जवाब डायरेक्ट नहीं देना है कि जी आपका रूम बुक हो गया, आपने बीच में क्या करना है, कुछ पैरामीटर्स कलेक्ट करना है सच एज अराइवल और सिटी डिपार्चर डेट, कि जी आप अपने शहर से कब निकल रहे हो या इधर कब पहुंचोगे या कितने बजे आओगे आप या कौन सा रूम चाहिए, कितने बंदों का चाहिए, डबल बेड सिंगल बेड, कि बहुत सारी बातें होंगी ना, तो वो बीच में पैरामीटर्स लूँगा। डायलॉग फ्लो सी एक्स विल सजेस्ट एनोटेशंस एज यू इंक्लूड ट्रेनिंग फ्रेज फॉर द इंटेंट। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने ना ज़रा एक ऑटो कम्प्लीट एक लगाया हुआ है कि जब आप ट्रेनिंग फ्रेज डालते हो ना तो उससे सम टाइम, हमेशा नहीं मिलेगा आपको लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सजेशन मिल जाती है कि जी ये पैरामीटर आप ले लो बंदे से, ठीक है। जैसे रूम बुकिंग है ना, आई वॉन्ट टू बुक रूम, तो उसमें वो कुछ पैरामीटर सजेस्ट करेगा, आप ओके करो तो वो पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ दही की दुकान की, मैं चैटबॉट बना रहा हूँ, तो वो तो नहीं पता लगेगा ना इसको, ठीक है। दही की दुकान में बंदा क्या करेगा आगे, या कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो मतलब बहुत हट के, अगर तो उसमें फिर वो हाथ से बनाना ही पड़ता है मुझे एक्चुअली। और सजेशन मेरे हिसाब से ना कभी मुझे उसने सही सजेशन दी भी नहीं है लेकिन अभी तक, कि अब देखो अगर होटल बुकिंग हो रही है ना तो उसमें होटल बुकिंग में हर सिचुएशन में अलग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा कि हर होटल बुकिंग ऐप में एक जैसा पैरामीटर होगा, कहीं पर ज़रा डिफरेंट होता है ना। कहीं पर जैसे किसी ने 3 दिन का कोई बनाया हुआ पैकेज, अब वो 3 दिन का पैकेज बनाया तो रूम बुक करते हैं, बोलता है भाई 3 दिन का ही बुक होगा, इससे कम होगा ही नहीं, तो अभी एक्सेप्शनल केस आई है ना इस तरह का। तो अभी वो प्रेगनेंसी टूरिज्म इन्होंने लॉन्च किया है बच्चों ने हमारे, दो नंबर ही तो फिर आगे है ना सबसे हमारे। अमेरिका में जो हॉस्पिटल्स हैं कुछ, वो क्या करते हैं अभी से नहीं, वैसे तो ये चल रहा काफ़ी अर्से से तो वो बोलते हैं कि यार आप ना जब प्रेगनेंट हो ना आप इधर आओ, इधर आके आप बच्चे पैदा करो। तो वैसे तो अमेरिका वीज़ा नहीं देता, यानी अगर कोई बंदा प्रेग्नेंट है ना उसको वीज़ा नहीं देते वो, और वो अप्लाई करता है रिजेक्ट मारते हैं, तो कहते हैं यार आप प्रेग्नेंट हो अब इधर आओगे आप, कोई इशू ना हो जाए भाई। वो हॉस्पिटल वाले उनको आप डालो $20,000 यहाँ से, $20,000-25,000 लेते हैं वो, उसके बाद जो है ना वो सारा केस बनाते हैं खुद ही, बोलते हैं भाई ये तो पता नहीं ऐसा केस है, वो पाकिस्तान में इसका इलाज ही नहीं है और ये वो ना, बोलते हैं भाई आ जाओ उड़ते हुए फिर इधर, सारा केस वेस डाल के। और अब वंस वहाँ पहुँच जाते हैं फिर वो उस केस को चलाते रहते हैं, बोलते हैं भाई ये तो अभी हो ही नहीं सकता, अभी तो ये इसमें टाइम लगेगा और ये वो, फिर एंड में वो बर्थ करा देते हैं, उधर बर्थ कराते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बोलते हैं जा बच्चा बता दे तू तो ये प्रेगनेंसी टूरिज़म चल रहा है आज के लिए ना। तो अब ये अलग तरह की टूरिज़म है ये, इसका अगर कोई चैट बॉट बन रहा है ना, 2 नंबर चैट बॉट बन रहा है बिल्कुल ही, उसके पैरामीटर क्या पता होंगे इस बेचारे को। वेल तो अच्छा ठीक है, ये कह रहा है भाई अराइवल डेट और डिपार्चर डेट आपने बता दिया। अच्छा डायलॉग फ्लो सी एक्स विल सजेस्ट एनोटेशन एज यू इंक्लूड ट्रेनिंग फ्रेज, दे कैन ऑल्सो बी मैनुअली एनोटेटेड, ठीक है, कलेक्ट पैरामीटर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा ये कौन से पैरामीटर होंगे जो आप यूजर से क्या करना चाहते हो, उसकी कन्वर्जेशन से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो आप, है ना, यूज़र से बातों बातों में जो आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो लेना चाहते हो, तो वो आप होगा। कहीं पे जैसे मैं अगर किसी बॉक्सिंग क्लब का मैं मेंबर बनने जा रहा हूँ, अगर मैं चैटबॉट से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मुझे आप मेंबर बना लो अपना, तो मेंबर बनाने के लिए मुझे क्या क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं चैटबॉट के अंदर क्या करूँगा, बातों बातों में उससे सारी बातें मैं पूछता जाऊँगा, तो वो बातें जो बातों बातों में पूछ रहा हूँ ना वो होंगे पैरामीटर्स। एक इंटेंट हिट हुआ उसके पैरामीटर्स होंगे। अब बंदे ने अगर बोला कि भाई आई वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा या आई एम हंगरी या आई वांट पिज़्ज़ा, तो उसमें जो भी पैरामीटर हो सकते हैं ना कि जी अब कितना बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए या फ्लेवर कौन, तो ये बातों बातों में मैं उससे पूछूंगा, मैं बोलूँगा अच्छा यार फ्लेवर तो बताओ, ऐसा फ्रेंडली अंदाज में, या मैं बोलूँगा अच्छा यार कितने बंदे हो तुम, एक बंदे हो, तो बोलेगा हाँ यार मैं एक बंदा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली सेट करूँगा ये रेगुलर चाहिए इसको, है ना। तो फिर मैं लास्ट में जब वो पूरे सारे पैरामीटर कलेक्ट हो जाते हैं, मैं लास्ट में एक यस का पैरामीटर भी लेता हूँ, उसको पूरा वो दिखाता हूँ, मैंने कहा भाई ये भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, मीडियम पिज़्ज़ा है, एक बंदे की सर्विंग है और ये फ्लेवर फला फला है, आर यू श्योर, वो बोलता है यस, तो वो फिर आगे हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें वो बैग भी आ सकता है, वो बोलता है नो आई वॉन्ट फहीता, तो वो उसको फहीता कर देगा चेंज करके, फिर मैं दोबारा उसको यस दिखाऊंगा वो, है ना। वेल अभी हम ये करते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये सारा। अच्छा डायलॉग फ्लो सी एस विल सजेस्ट ऑटोटेशन एंड इंक्लूड, ये हो गया हमारा। अच्छा इन ऑर्डर टू रीयूज इंटेंट, अब ये एक तो बना दिया जी, एक इंटेंट बनाया और वो मैंने एक पेज पे लगाया हुआ कि जी पहले पेज पे बंदा पहुंचा और बंदे ने बात की तो वो चल पड़ा। अच्छा अगर उसको रीयूज़ करना है
एज मेक इट मेंटेन नेम योर इंटेंट इन द क्लियर एक्सप्लिसिट नेम्स. अच्छा कह रहे हैं कि अगर आपने यूज़ करना है ना तो आप उसका नाम ऐसा रखो कि बिल क्लियरली बिल्कुल पता चल जाए कि जो है ना क्या बात होने जा रही है. ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर्मेट ऑफ इंटेंट जो होगा यानी इंटेंट का जो नाम होगा वो क्या होगा, कैटेगरी डॉट सम डिस्क्रिप्शन. ठीक है, उसके साथ कोई बात. मिसाल के तौर पे अगर मैं यस बोलता हूँ, अगर यस का एक इंटेंट बनाता हूँ तो उसका नाम मैं जस्ट यस ही रखूँगा एक्चुअली. या मैं अगर लगाता हूँ ना कि जैसे इन्होंने और भी बताया हुआ है एग्जाम्पल फॉर्मेटिंग है ना, मेन डॉट फ्लाइट बुक अ फ्लाइट है ना, यानी मेन पेज के ऊपर ये चलता है और बुक अ फ्लाइट यानी उस बंदा चैटबॉट खोलते ही डायरेक्ट बोलेगा बुक अ फ्लाइट इस तरह से. ठीक है, या किसी जगह पे जाके बोलेगा, मिसाल के तौर पे जैसे कोई फूड ऑर्डर हो रहा है. ठीक है, तो फूड ऑर्डर करने कंप्लीट ऑर्डर एक कंप्लीट होने के बाद फिर वो एपेटाइज़र का पूछेगा कि जी एपेटाइज़र क्या ला दूँ मैं आपको, तो वो फिर मेन पे तो नहीं हुआ, वो किसी दूसरी जगह जाकर हुआ. ठीक है, जब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर लेता एपेटाइज़र वाली बात नहीं हो सकती. तो इस तरह से वो कह रहा है कि मेन डॉट करके लगा लो आप. ठीक है, या आप क्या कर लो सप्लीमेंटल डॉट करके लगा लो या कन्फर्मेशन डॉट यस. जैसे मैंने कहा ना कि यस मैं जब बोलूँ तो कन्फर्मेशन डॉट यस है कि इस यस का कोई दूसरा मतलब तो नहीं हो सकता है कहीं. तो ये नाम की जस्ट कन्वेंशन बता रहा है कि जी अगर आपने यू रीयूज़ करना है ना तो नाम ऐसा हो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, उस नाम को देखते ही पता चले कि जी कन्फर्मेशन डॉट यस और कन्फर्मेशन डॉट नो है ना, या कन्फर्मेशन अंडर स्कोर यस या कन्फर्मेशन अंडर स्कोर नो, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं. तो इसने कुछ सजेशन बता दी मुझे यहाँ पर. ठीक है, अच्छा अब जो है ना ये इंटेंट क्रिएट करने वाली जगह पर हम आ गए. कैसे जाके क्रिएट करना है, मैनेज के टैब में जाना है. सही है, आ जाओ भाई मैनेज में. मैनेज के टैब में आ गया मैं, इधर पहले बिल्ड पे आया होता है बाय डिफॉल्ट, ये मैनेज पे आ गया मैं और ये इंटेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया. इंटेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इंटेंट पहले से बने हुए हैं. सही है, दो इंटेंट क्या हुए हैं पहले से बने हुए, एक है डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट और एक है डिफॉल्ट नेविगेट इंटेंट. अच्छा लेकिन हम अभी इसको छोड़ देते हैं, हम अभी नया बनाते हैं जैसे इन्होंने यहाँ बताया. कैसे बनाते हैं जी, नाम इन्होंने रख दिया है कि जी मेन डॉट बुक अ फ्लाइट, तो हम भी यही नाम रख देते हैं क्योंकि हम इस लैब को भी एज इट इज फॉलो करने जा रहे हैं. अच्छा तो मैंने क्या कहा कि यार बुक अ फ्लाइट. ठीक है, ये डिस्प्ले नेम मैंने बुक अ फ्लाइट रख दिया. अच्छा और लेबल क्या चीज़ है, लेबल यहाँ पे आप कुछ चाहें तो लगा सकते हैं. देख लेते हैं इन्होंने क्या लगाया. अच्छा इन्होंने कोई लेबल नहीं लगाया फिलहाल. ठीक है, इन्होंने कोई लेबल नहीं लगाया. अच्छा कह रहा है कि जी अंडर द ट्रेनिंग फेज हेडर ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इनटू डायलॉग फ्लो एंड, बस ये कह रहा है कि यार बुक अ फ्लाइट लगा दो आप और ये सारे सेंटेंसेस ना एक एक करके आप उधर पेस्ट मार दो. सही है, तो आ जाओ जी बुक अ फ्लाइट सबसे पहले. ट्रेनिंग फ्रेज कहाँ आ गया जी हमारा, ये आ गया जी ट्रेनिंग फ्रेज हमारा. तो यहाँ पर ये मैंने बुक अ फ्लाइट कर दिया. और कौन सा है जी, अब ये नोट करना, अब जो ये ट्रेनिंग फ्रेज है ना, कैन यू बुक माई फ्लाइट टू सैन फ्रांसिस्को नेक्स्ट मंथ. अब ये नेक्स्ट मंथ क्या चीज़ है, इसने ऑटोमेटिकली इसको एनोटेट कर दिया. ठीक है, एनोटेट कर दिया कि ये जो नेक्स्ट मंथ है ना ये डेट पीरियड है. अब ये क्या चीज़ होती है भला, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, अभी ज़रा उसको सारे को एक एक करके हम कर लेते हैं. अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं अभी, अभी एक इंटेंट के अंदर हम ये ट्रेनिंग फ्रेजेस डाल रहे हैं कि जी इससे मिलती जुलती कोई भी बात हो ना, अगर यही बात या इससे मिलती जुलती कोई बात हो तो आप समझ जाना कि बंदा क्या कर रहा है, फ्लाइट बुक करना चाह रहा है बंदा. ठीक है, ये मैंने कर दिया. अब इन्होंने ज़रा ट्रेनिंग फ्रेजेस इस हिसाब से बनाया ना कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं. अभी पैरामीटर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैरामीटर इसने क्या कर दिए हैं, इसमें बना दिए हैं. ठीक है, तो ये मैं सारे जल्दी से क्या कर लेता हूँ, एक एक करके यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ. और एक एक करके पेस्ट मारने के बाद हम इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं कि इन्होंने ये क्या किया और ये क्यों किया. कल असल में मैंने बोला ना आप लोगों से कि कोई बुक नहीं है इसके ऊपर, तो मैंने जाके सर्च किया, मैंने कहा यार लास्ट मैंने सर्च तो बड़ा टाइम पहले किया था ना, ज़रा दोबारा सर्च मारता हूँ तो मुझे ये मिल गया. अच्छा आइटम है ये वैसे, इसमें ज़रा चीज़ें ना ज़रा सीक्वेंस में कवर भी हो रही हैं. अच्छा एक बुक और भी है ना डायलॉग फ्लो CX की, लेकिन यार वो ज़रा बुक ना उसको मैंने यूज़ नहीं किया, उसका एक रीज़न था ना.
ठीक है, ये सारे मैंने लिख दिए और कह रहा है सेव का बटन दबा दो, तो आ जाओ जी, सेव का बटन मैंने दबा दिया। ठीक है, अच्छा वो वाली बुक भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो कौन सी है। ये बुक ना 2 साल पहले की लिखी हुई बुक है। अच्छा डायलॉग फ्लो सी एक्स मैंने लिखा ना, ये बुक आ तो गई है, लेकिन मसला ये है कि डायलॉग फ्लो सी एक्स इसमें ना लास्ट के 3-4 पेज पे सिर्फ डायलॉग फ्लो सी एक्स है, बाकी ऊपर पूरा क्या है वो नॉर्मल वाला जो V2 वाला डायलॉग फ्लो है। ठीक है, लास्ट के कुछ पेजेस पे ना इसने क्या किया हुआ है और वो दिया हुआ है। अच्छा बताया हुआ भी क्या है उसने, यानी एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है, मोर और लेस उसने वही बात लिखी हुई जो डॉक्यूमेंट्स में पहले से मौजूद है। अच्छा फिर ये बंदी जिसने लिखी है बुक, वो भी डायलॉग इसकी एम्प्लॉई है ना गूगल की, पता नहीं बिजनेस एनालिस्ट है, पता नहीं क्या है वो, तो गूगल की एम्प्लॉई है, तो उसने अपनी बुक में मोर और लेस वही बात लिख दी है जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। मैंने कहा यार इसको अभी पढ़ने का क्या फ़ायदा, डॉक्यूमेंट तो अपडेट भी हो रहा है ना, बुक तो फिक्स हो गई है, डॉक्यूमेंट ये होता है कि ज़रा अपडेट भी होता है, किसी ने फीडबैक दिया कुछ कि यार ये सही नहीं लिखा हुआ या तो अपडेट कर देते हैं वो थोड़ा बहुत ना, तो ये तो भाई फिक्स हो गई है बुक, तो फिर मैंने लगा छोड़ो इस बुक को ऐड नहीं करते। लेकिन अभी ये हमारे पास जो है ना अच्छा आइटम मिल गया हमें। अच्छा कह रहे हैं कि जी सेव का बटन जब आप दबाओगे ना, तो सेव का बटन दबाने तक ऐसा कुछ दिख जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या है जी, सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड बिकॉज डायलॉग फ्लो हैज़ ऑटोमेटिकली लेबल्ड द एंटिटीज सच एज डेट प्लेस और नंबर। ठीक है, इसने कहा कि यार डायलॉग फ्लो ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि कुछ चीज़ें जो है ना इसमें से वो क्या है, एंटिटीज हैं कुछ। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो एड ट्रेनिंग फेज बल्क इन द डायलॉग फ्लो। ठीक है, सी एस वी कह रहा है इसको आप ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से एक एक करके डालो, सी एस वी फाइल भी इसकी बना सकते हो आप, तो उससे भी हो जाता है। अच्छा अब आ जाते हैं वापस और हम इस बुक ऑफ लाइट के ना अंदर चलते हैं, और बुक ऑफ लाइट के अंदर चल के हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसने जो है ना मांगी हुई हैं। देखो जैसे मैंने कहा ना कि बंदा कोई बोलता है ना ऑर्डर पिज़्ज़ा, अच्छा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, मुझसे क्या क्या बात लेनी है, मुझे पिज़्ज़े का साइज़, पिज़्ज़े का फ्लेवर और शायद टॉपिंग उसकी अगर कोई पूछ लूँ मैं क्या टॉपिंग कौन सी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये 2-3 बातें मुझे, हाँ कितना पिज़्ज़ा ये भी पूछना पड़ेगा मुझे, तो कितना पिज़्ज़ा, साइज़ और फ्लेवर, ये 3 तो एटलीस्ट मुझे पूछने ही पूछने हैं। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, पैरामीटर कहलाएंगे ये तीनों। ठीक है, ये तीनों क्या कहलाएंगे, पैरामीटर। अच्छा अब पैरामीटर में जो बात पूछनी है मुझे वो कहलाती है एंटिटी, पैरामीटर में जो बात मैंने पूछनी है वो कहलाती है एंटिटी। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि यार कितना पिज़्ज़ा चाहिए आपको, तो बंदा बोलेगा जवाब में 1, तो 1 क्या है, एक नंबर है, इसकी जगह 2 आ सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है ना, तो इसको बोलते हैं नंबर एंटिटी है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये नंबर एंटिटी, यानी इस सवाल के जवाब में, यानी जो पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे बंदे से चाहिए वो एक नंबर एंटिटी चाहिए, वो मुझे क्या चाहिए, एक नंबर, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है ना नंबर वेरिएबल है, नंबर टाइप का वेरिएबल, तो इसमें वो एक नंबर एंटिटी मुझे चाहिए सामने से। ठीक है, ये पहला पैरामीटर हो गया। अच्छा दूसरा पैरामीटर भी एक नंबर हो सकता है, मे बी मैं बोलूँगा कितने पीस कर दूँ मैं इसके, तो उसमें भी बोलेगा 4 पीस कर दो, तो ये भी एक नंबर है, तो नंबर एंटिटी अगेन इस्तेमाल हो गई। ठीक है, ये दूसरा पैरामीटर मेरा हो गया। अच्छा नंबर एंटिटी जो है ना वो इन्होंने बिल्ट इन बना के रखी हुई है। ठीक है, नंबर एंटिटी इन्होंने देखिए, जैसे ये ना आई वॉन्ट टू फाइंड 2 सीट्स, तो ये 2 को इसने ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर कर लिया, नंबर। और अच्छा इसमें लिखा हुआ सिस्टम डॉट नंबर, यानी वो सिस्टम के अंदर ये पहले से मौजूद था नंबर ना। अच्छा अब आ जाओ दूसरे पे कि भाई नंबर एक तो ये कितना पिज़्ज़ा चाहिए, मैंने कहा कि जी मुझे 2 पिज़्ज़ा चाहिए या 4 पिज़्ज़ा चाहिए, तो ये नंबर आ गया। मैंने शायद यही बात भी पूछ लिया कि कितने पीस कर दूँ, उसने बोला 4 पीस कर दो, तो ये दूसरा भी पैरामीटर आ गया। लेकिन अब तीसरी बात जो है कि फ्लेवर कौन सा चाहिए, है ना, फ्लेवर कौन सा, अब फ्लेवर मेरे पास तो मुझे पता है ना कि कौन कौन से होंगे, तो वो एंटिटी सिस्टम में पहले से मौजूद नहीं है, तो वो मुझे बनानी पड़ेगी। अच्छा वो बनाएंगे कैसे, वो थोड़ी देर में देखते हैं अभी हम। इसी तरीके से जो साइज़ है, अब साइज़ भी मेरे पास क्या होगा, लार्ज स्मॉल मीडियम होगा, या 16 इंच 15 इंच 18 इंच होगा, है ना, इस तरह कुछ होगा, तो वो मुझे पता होगा कि क्या है, तो इसकी भी एंटिटी सिस्टम में पहले से बनी हुई नहीं होगी, ये मुझे बनानी पड़ेगी। अच्छा सिस्टम की एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, नंबर, इंग्लिश के नाम, सही है, सिटी के नाम, मुल्कों के नाम, ये इस तरह की सारी, मूवीज़ के नाम, ये सारे सिस्टम के अंदर एंटिटीज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने देखना हो ना कि ये सिस्टम में एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो मैं लिख दूंगा डायलॉग फ्लो सी एक्स सिस्टम एंटिटीज़, तो एक लिस्ट आ जाएगी लंबी
जिसमें तमाम सिस्टम की ना एंटिटीज यहाँ पे मुझे दिख रही होंगी। रेफरेंस में शायद जाना था मुझे, ये देखो ड्यूरेशन परसेंटेज, ठीक है, मैंने कहा 30% कर दो। जैसे मुझसे पूछा है टिप कितनी दे दूँ मैं, तो मैं बोलूँगा 10% टिप दे दूँ। या टेम्परेचर इस वक्त, किस वक्त 30 डिग्रीज मतलब रूम बुक करते हैं मुझसे पूछे अगर ये, वैसे इस तरह की वो बात पूछेगा नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ ये तो, ठीक है, मतलब मैं रूम बुक करते हुए पूछे मुझसे कि यार जब आप आओगे तो मैं रूम को कितने डिग्री पे सेट करके रखूँ, तो मैं बोलूँगा यार मुझे 30 डिग्रीज पे सेट कर दो, ठीक है, या 40 डिग्रीज पे सेट कर दो, इस तरह जैसे भी जो भी मुझे मुनासिब लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये बाय द वे होता है, ये रियल चीज़ भी है कि जैसे मैं अगर फ़ोन पे होटल बुक कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, या सम टाइम हम जाके भी बुक करते हैं ना जब होटल, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम कहीं गए कोयटा में, शायद कोई ठंडी जगह थी, बारह लगे मुझे याद नहीं है, तो ठंडी जगह थी कोई, तो वहाँ पे वो बुकिंग बुकिंग की हमने और सामान रखा, 5 बज रहे थे शाम के, हमने कहा यार एक चक्कर ना जरा मार के आते हैं, तो फटाफट हमने सामान रखा, हम बाहर निकल गए। अब जब हम वापस आए ना रात को 9 बजे, तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई थी रात को 9 बजे। अच्छा, फिर हीटर जैसे ही हमने, हमने बोला यार हीटर चलाओ फटाफट, हीटर उसने रखा हुआ था रूम में, अबे भाई वो हमने चलाया, गैस ही नहीं उसमें। अच्छा, पता ये चला है कि भाई रात को 10 बजे गैस यहाँ की बंद हो जाती है और पूरी रात गैस नहीं होती है, और वो सेफ्टी फीचर है उनका एक्चुअली, कि वो लोग हीटर वीटर चलाते हैं रात को, फिर वो अगर किसी वजह से बुझ गया हीटर या गैस चली गई और फिर 5 मिनट बाद दोबारा आ गई, तो क्या होता है उससे कमरे में गैस भर जाती है और बंदा मर जाता है उससे। तो उन्होंने सेफ्टी फीचर ये किया हुआ है कि टूरिस्ट को पता नहीं होता ना ये बात, तो टूरिज़्म वो कराची से बंदा गया है, उसने तो कभी ज़िंदगी में हीटर नहीं देखा कि होता कैसा है, मतलब मैंने नहीं हीटर कभी देखा था कि कैसा होता है, उधर जाके मैंने देखा अच्छा यार हीटर ऐसा होता है ये। अच्छा, पूरी दुनिया में बाय द वे वो हीटर अब चलते भी नहीं है, जो हमारे वाले हैं ना वो आग वाले हीटर जो हैं वो अब नहीं चलते पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में क्या चलता है वो भी बताता हूँ, रेडिएटर होता है, वो रेडिएटर चलता है पूरी दुनिया में। तो वो वेल अब वो उसको मैं ऑन करूँ ऑन ही ना हो, तो हमने होटल वाले को बुलाया, हमने कहा यार ये क्या बकवास है, गैस नहीं होती तो हीटर क्यों दिया, और ये बोला क्यों था कि हीटर देते हैं हम। उसने बोला भाई ये तो आपने चला के जाना था, ये आपने हीटर को रूम में चला के जाना था बाहर, ताकि जब आप आते तो रूम गर्म था, और फिर रूम का गेट नहीं खोलना था आपने, फिर सारी रात गर्म रहता रूम, तो मतलब ये सीन है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद उसने हमें बताना भूल गया हो वो, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पूछता होगा कि हाँ यार ये हीटर चला दूँ कि नहीं चला दूँ, कितने डिग्री पे सेट कर दूँ। अब हीटर तो ये ना आग है, वो तो उसमें तो वो नहीं होता, लेकिन अब जो पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो होता है रेडिएटर। रेडिएटर किस तरह का होता है वो दिखा देता हूँ मैं। रेडिएटर ना इस तरह का होता है, ये देख रहे हो, ये बस रूम के ना साइड में इस तरह से लगा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नलका होता है, उस नलके को आप खोलते हो ना जब, तो पानी यहाँ से दाखिल होता है और यूं 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 गर्म पानी इसमें घूमता हुआ और दूसरी साइड से निकल जाता है। तो ये रेडिएटर अच्छा खासा गर्म हुआ, मतलब हाथ लगाओ तो हाथ जलेगा, इतना गर्म होता है ये। तो इसके अंदर ना नीचे जो नलका होता है इस पर सेट होता है कि जी 1 स्टेप खोलूँ या 2 स्टेप खोलूँ या 3 स्टेप खोलूँ, तो उसमें वो डिग्रीज लिखा हुआ रहता है कि 1 स्टेप खोलोगे तो 2 डिग्री प्लस कर देगा ये, दो डिग्री करके वो जितना खोलना होता है उतना खोल दो आप, फिर ये तसल्ली से करता है, ज़रा देर में गर्म करता है ये, लेकिन कर देता है और बहुत अच्छे से गर्म करता है ये। इसमें क्या होता है, जो ज़ाहिर है क्योंकि जहाँ पे अब बर्फ़ पड़ी हुई है तो गीज़र तो चलेगा ना वहाँ। अच्छा, गीज़र में क्या होता है, छत पे पड़ा हुआ है गीज़र, बिला वजह पानी को गर्म किए जा रहा है, है ना, यही होता है ना। ज़रा जब वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हिट हो जाता है गीज़र में, जो आपके यहाँ पे भी जो गीज़र है, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो हल्का सा नीचे आता है ना, वो ठक दोबारा ऑन कर देता है उसको, और उसको वो एक मेंटेन करके रखता है। अब उसका वो जो मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर, उसका कोई फ़ायदा है, वो तो ज़ाया हो रहा है। तो गोरो ने बोला कि यार उसको हम करते हैं रीयूज़, उसको कहते हैं यार गर्म हो गया ना जो पानी, उसको चलाओ पूरी बिल्डिंग के अंदर, रेडिएटरों में घुमाओ उसको, ताकि उससे ना सिर्फ नलकों में ठंड गर्म पानी आए बल्कि पूरी बिल्डिंग भी गर्म होती रहे उससे। तो वो हर रूम के अंदर ये रेडिएटर लगा हुआ होता है। तो इस रेडिएटर को क्या करते हैं, वो जैसे 2 स्टेप पे सेट करके छोड़ देते हैं उसको, तो जब भी गीज़र चलता है तो ऑटोमेटिक सारे रूम गर्म होते हैं, लेकिन समहाउ अगर मुझे बंद करना है तो मैं बंद भी कर सकता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरा ख्याल है शायद वो पूछेगा होटल वाला कि यार जब आप आओगे तो आपको कितने डिग्री पे चाहिए रूम है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कराची से जा रहा है ना कहीं मरी वरी टाइप की जगह पे, अब वो तो जा रहा ही ठंडा हो रहे हैं उधर वो थोड़ी बोलेगा कि मुझे 30 डिग्री पे सेट करके दो,
लेकिन जो वहाँ का रहने वाला बंदा है या जो ऑलरेडी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आ रहा है और ऑलरेडी ठंडी जगह से आ रहा है, वो बोलेगा यार मुझे जाते ही ना गर्म रूम चाहिए ज़बरदस्त कड़क, तो हो ये हो सकता है। वेल तो मैं ये बता रहा था कि भाई हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास कहाँ चला गया वो, ये रहा हमारे पास ये सिस्टम एंटिटी में ना क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। टेम्परेचर मौजूद है, करेंसी मौजूद है, मैं कह रहा $20 मिसाल के तौर पे, कहीं पे निगोशिएशन हो रही है चैट बॉट में, तो बंदा सामने से बोले यार ये जूता $100 गया, मैं बोलूँ नहीं भाई 80 80 डॉलर, तो वो डॉलर में उसको मैं बता रहा हूँ, या इसमें नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल में डॉलर को बोलने का तरीका अलग है, इसलिए जो है ना करेंसी और वो दोनों अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं करेंसी यूनिट है ना मेरे पास, और मैं बोलता हूँ कि यार 20 सेंट, तो 20 सेंट में वो क्या देगा मुझे बना के, 0.20 डॉलर ये बना के देगा मुझे, तो 20 सेंट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार 3 बक्स, अब डॉलर को ना ये बक्स भी बोलते हैं, तो वो 3 बक्स में $3 को पकड़ेगा, सही है। या तो अगर मैं सिर्फ 3 लूँगा ना, अगर नंबर वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ पे करेंसी की जगह पे, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। अगर किसी ने बोल दिया ना 20 सेंट, तो वो 20 को देख लेगा, उसको सेंट पता ही नहीं लगेगा, तो वो अगर मैं सिर्फ नंबर को पकड़ के उसको बनाता हूँ ना, तो वो $20 कंसिडर कर लेगा 20 सेंट को, तो इसलिए करेंसी का इन्होंने ज़रा अलग बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ईमेल है, फ़ोन नंबर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई क्लास तो नहीं है ना अभी? अभी सर कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा नहीं, सही है भैया, कोई आएगा तो फिर मैं देख लूँगा। अच्छा इसी तरह डेट पीरियड, डेट टाइम के जी, डेट पीरियड का मतलब क्या है कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक, तो ये पीरियड मैंने बताया उसको। टाइम का मतलब होगा कि फिक्स टाइम बता रहा हूँ, ये 3 PM, ठीक है जी। इसी तरीके से एक सिस्टम डॉट एनी है, एनी का मतलब है कि कुछ भी बोल दे बंदा, तो इस एंटिटी में पकड़ में आ जाएगा। अब एनी का रीज़न क्या होता है, अभी वो हम देखेंगे जब बनाएंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि बंदा अगर कोई भी बात बोलता है, और उसके मिसाल के तौर पे हम FAQ ले रहे हैं बंदे से अगर, तो FAQ में ये होता है कि बंदा कुछ भी बोले ना, तो उस पूरे जुमले को एज अ एंटिटी पकड़ लो, उसको उठा के मैं पीछे पे ChatGPT भी भेजता हूँ, वहाँ से जवाब लेता हूँ और बंदे को वापस करता हूँ। अभी तो इन्होंने खुद का भी वैसे जनरेटर करके खुद का भी मलजन निकाल दिया, और वो मैंने चला भी लिया, अच्छा है वो, ठीक है। असल में मेरा सीन ये है कि जब तक कोई क्लाइंट नहीं आता ना किसी काम का, वो मैं करता नहीं हूँ। तो जनरेटर का अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 3 दिन पहले एक बंदा आया था, उसने बोला यार ये मेरे को पढ़ा दो आप जनरेटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आपके भाई ने $100 पकड़े, उससे 1 घंटे का सेशन दिया, उसको जनरेटर पढ़ा दिया, लेकिन उसके लिए 1 घंटा मुझे भी पढ़ना पड़ा, ठीक है ना, ज़रा मोटिवेशन मिल जाती है। तो दुआ करो डायलॉग फ्लो CX के मेरे पास कस्टमर आए, ताकि मैं मोटिवेट होकर मैं खुद भी सीखूँ, उनको काम भी करके दूँ, फिर तुम लोगों को भी सिखाऊँ। वेल ठीक है जी, जियो सिटी के अंदर ये सिटीज़ के नाम आ गए सारे, जियो कंट्री के अंदर कंट्री के नाम आ गए सारे, है ना। जो कंट्री के नाम तो फिक्स हैं, ज़ाहिर है 200 250 जो भी हैं। अच्छा फिर इसी तरह जियो लोकेशन हो गया, जिप कोड हो गया, गिवन नेम जो है वो क्या है, आपका जो फर्स्ट नेम को कहते हैं ये। अच्छा ये सारे सिर्फ क्या है, इंग्लिश वाले फर्स्ट नेम इसमें पकड़ता है ये, ठीक है। यानी अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आपने सेट किया हुआ है अपने बॉट का, आप बॉट बनाते हुए पूछा था ना कौन सी लैंग्वेज, तो अगर आपने इंग्लिश सेट किया हुआ तो ये इंग्लिश नेम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाउ एवर लिखा है इन्होंने कि ऑल लैंग्वेजेस विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है कि जी तमाम लैंग्वेज में ये है, लेकिन अगर मैं हिंदी सेट किया हुआ होगा तो हिंदी नाम पकड़ेगा फिर ये, इंग्लिश सेट किया हुआ तो सिर्फ इंग्लिश नाम पकड़ना चाहिए इसको। अच्छा इसको इन्होंने डेप्रिशिएट भी कर दिया, और अब उन्होंने बोला है कि इसकी जगह आप सिस्टम डॉट पर्सन यूज़ किया करोगे, पर्सन भी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। पर्सन पर्सन में क्या क्या चीज़ आती है, अच्छा पर्सन में इन्होंने बोला कि यार जो है ना ये लैंग्वेज फिक्स है शायद, ये क्या चीज़ है यार दरमियान वाली, ज़रा ऊपर चल के देखें ज़रा, अवेलेबिलिटी है। अच्छा अवेलेबिलिटी में इन्होंने कि SER लिखा हुआ, ये पता नहीं क्या चीज़ है, SER का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब होता है क्या उसका, SER ALL, पता नहीं क्या मतलब है उसका, चलो देखूंगा मैं, ठीक है। सिस्टम डॉट पर्सन पे वापस चलते हैं। अच्छा सिस्टम डॉट, ये आउटपुट भी ना यहाँ पे साइड में दिखा रहा होता है कि किस तरह का इससे आउटपुट मिल रहा होगा ना, ठीक है। ऊपर भी कुछ जगहों पे इसने आउटपुट दिखाया हुआ, जैसे ये जियो जो लोकेशन है, लोकेशन जब बंदा बोलेगा ना, तो उसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से मिल रहा होगा, है ना, कि बिजनेस नेम सिटी और कंट्री और आइसलैंड, अगर वो कोई है आइलैंड है कोई, स्ट्रीट नंबर, यानी पूरा बंदा बोलता है ना। मिसाल के तौर पर बोलूँ कि भाई 22nd कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, 22nd स्ट्रीट मैनहैटन न्यूयॉर्क, ये पूरा एड्रेस मैंने बोल दिया,
तो इसमें कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा जो है वो बिज़नेस का नाम हो गया, ठीक है, 22nd स्ट्रीट जो है वो मोहल्ले का नाम हो गया। और मैंने बोला भाई मैनहैटन है, तो मैनहैटन जो है वहाँ पे वो समझ लें एक नेबरहुड है। और उसके बाद मैंने कहा न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क सिटी हो गया। अच्छा, न्यूयॉर्क के आगे मैंने कोई बात नहीं बोली, लेकिन यहाँ पे मुझे वो कंट्री भी देगा, यूएसए भी देगा, सही है, और यूएसए के आगे पता नहीं जो जिप कोड भी देगा उसका, जो उस जगह का जिप कोड लगता होगा ना, बंदे ने बोला नहीं है लेकिन वो देगा, समझ जाएगा खुद ही वो। वेल, तो ये सब सबका ना यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने आउटपुट, ठीक है। फ्लाइट नंबर्स का भी यहाँ पे एक बना हुआ है, फ्लाइट नंबर्स भी क्योंकि फिक्स हैं सारी, यानी दुनिया में जितने जहाज़ चल रहे हैं उन सबको एक फ़्लाइट नंबर मिला हुआ है, तो वो फिक्स है, ठीक है। जहाज़ चेंज नहीं होता, फ्लाइट नंबर, यानी जैसे एक फ़्लाइट है ना, तो उसमें उस फ्लाइट में कोई दूसरी जहाज़ भी लग सकती है, ठीक है। तो फ्लाइट नंबर का एक सिस्टम है अपना पूरा, जैसे हमारे गाड़ियों में तो होता है ना, गाड़ी के साथ नंबर प्लेट फिक्स होता है, लेकिन जहाज़ के साथ फ़्लाइट नंबर फिक्स शायद नहीं होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इस तरह का कोई चक्कर है कि जी फ़्लाइट नंबर से पता लग जाता है कि ये फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जाने वाली है। अब उसमें जहाज़ कोई सी भी हो सकती है, जहाज़ कोई सी भी जा रही है उसके साथ, ठीक है। यही वजह है कि जब हम जहाज़ के टिकट बुक करते हैं तो वो ना सिर्फ मुझे फ़्लाइट नंबर बताता है, बल्कि मुझे वो इक्विपमेंट का भी नाम बताता है। इक्विपमेंट का नाम मतलब जहाज़ का मॉडल नंबर, जो यानी जहाज़ का जो नाम या मॉडल नंबर, इक्विपमेंट करके वो बोल रहे होते हैं उसको, जैसे एयरबस 320 है, ठीक है। फिर 320 के साथ भी उन्होंने YC पता नहीं क्या लिखा होता है, जो उस जहाज़ का शायद प्लेट नंबर होता है शायद, पता नहीं, तो वो पूरा बताया होता है, तो फ़्लाइट नंबर के साथ ये बताते हैं शायद। तो शायद इसका रीज़न ये है कि फ़्लाइट नंबर जो है वो अलग सीन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नंबर इंटीजर है, एक तो नंबर था ना सिस्टम डॉट नंबर, ये पॉइंट वाले नंबर भी क्या करेगा, गेट करेगा, ठीक है। ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स, ये दोनों को पकड़ेगा, ऑर्डिनल बंदा बोले या कार्डिनल बोले, क्या है इसका मतलब ऑर्डिनल कार्डिनल का? हाँ भाई, नहीं पता? नहीं, वही तो, इंटीजर तो अलग है, ये जो नंबर है सिंपल वाला, ये ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों को पकड़ता है। इसका मतलब होता है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का कि जी फिफ्थ है ना, फिफ्थ होता है एक, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 20th, तो ये बोलने का एक तरीका है, तो ये शायद ऑर्डिनल कहलाता है, ठीक है, ये शायद ये कार्डिनल कहलाता है। और एक है भाई सीधा सीधा 5, 20, 25, तो ये ऑर्डिनल और कार्डिनल जो है ना दोनों को समझता है ये, ठीक है। तो इसका ये तो वेल नंबर है, ये नंबर पॉइंट में मिलेगा मुझे, मैंने कहा ना कि जी फिफ्थ अगर, तो 5.00 मिलेगा मुझे, या अगर मैंने कहा कि भाई 8.5, तो वो 8.5 मुझे देगा। लेकिन इंटीजर अगर मैंने लिया है ना, तो इंटीजर में पॉइंट वाले को नहीं पकड़ता ये, ठीक है। इंटीजर कौन सी जगहों पे होगा, बंदे की एज है जो वो इंटीजर में होती है, ठीक है। बंदे का जो मिसाल के तौर पे कितने रूम बुक करने हैं, ये इंटीजर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना 2.5 रूम तो नहीं बुक कर सकता मैं, तो 2 बुक करूँगा या 3 बुक करूँगा या 1 बुक, तो इंटीजर में होगा ये। इसी तरह पिज़्ज़ा कितने चाहिए, कितने स्लाइस कर दूँ, ये जो रियल लाइफ की जितनी भी चीज़ें ना, ये सारी इंटीजर में हैंडल होती हैं, ठीक है। आपके पास चश्मे कितने हैं जेब में आपके पड़े हुए, ठीक है, या आप कितने लोग बैठे हुए हो यहाँ पे, ये सारा इंटीजर में होता है। तो बहुत सारी जो रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, इंटीजर में। हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो कभी भी इंटीजर में नहीं होता है, उसमें वो पॉइंट में हमें करना पड़ता है। या जैसे क्रेडिट किसी भी किस्म का होता है, वो भी पॉइंट्स में हैंडल हो रहा होता है समटाइम ना। अच्छा, या फिर आपके जो कैमरे का मेगापिक्सल वगैरह स्पेसिफिकेशन है वो पॉइंट्स में अक्सर आ रही होती है, ठीक है। या टेम्परेचर इस वक्त क्या है रूम का, वो पॉइंट्स में हो रहा होता है। लेकिन सेट कितने पे कर दूँ, ये इंटीजर है। मैंने कहा 24 कर दो या 22 कर दो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 22.8 कर दो, ये नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, जनरल लफ्ज़ों में। वैसे टेक्निकल में तो भाई और बात होती है, यानी इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ। वैसे तो साइंटिफिकली बात करो तो पता नहीं कितने पॉइंट के बाद लिखते हैं, वो बोलते हैं यार इतने पे एग्जैक्टली सेट होना चाहिए, है ना। अभी वो कर रहे हैं ना सुपर मेसी कर रहे हैं ना, क्या है उसका नाम, जो क्वांटम सुपर मेसी जो कर रहे हैं, तो वो भाई उसके अंदर एक सर्टेन टेम्परेचर है, उसी पे वो चलता है कंप्यूटर, उसके बगैर वो चलता ही नहीं है। वो कंप्यूटर है पूरा, उसको पैक करते हैं सिलेंडर में पहले, और सिलेंडर में पैक करके उसको डालते हैं डिफ्रीज़र के अंदर, फिर डिफ्रीज़र जमता है पता नहीं माइनस, पता नहीं 200 डिग्री पे, पता नहीं कितने पे जाता है वो, फिर उसको करते हैं ऑन कंप्यूटर वो, उसके उससे कम पे वो ऑन नहीं होता, पता नहीं, तो वो सुपर मेसी इन्होंने बहरहाल कर लिया, ठीक है। तो वो उस वाले की बात नहीं हो रही अभी, ये नॉर्मल आम फहम बात हो रही है, ठीक है। नंबर सीक्वेंस जो है जी, नंबर सीक्वेंस क्या करता है कि जी अगर आपने कोई सीक्वेंस बोला है, ठीक है, सीक्वेंस मतलब ये कि एक के बाद दूसरा नंबर आप बोल रहे हैं, आपने बोला 2, 5, 6, 3, या आपने 4 नंबर बोले ना, तो वो सीक्वेंस 4 नंबर पकड़ेगा उसको, ठीक है। अगर आपने ये वाली चीज़ अगर यहाँ बोली होती ना, इस वाले नंबर पे,
यानी इनपुट आपने क्या लिया हुआ, जैसे पिन मांग रहे हैं आप बंदे से, आप बोलते हैं यार प्लीज से योर 4-डिजिट पिन, ये आप बोल रहे हैं, तो आप उसमें ये वाला नंबर नहीं लगाएंगे। ये वाला नंबर अगर आपने लगाया ठीक है और उसने बोला ना 4563, तो उसको वो 4563 उस तरह करके पकड़ेगा, 4000 वाला पकड़ेगा ठीक है। या अगर बंदे ने मिसाल के तौर पर 4000 बोल दिया तो ये उसको पकड़ लेगा, ये वाला सीक्वेंस उसको नहीं पकड़ेगा। सीक्वेंस जो है वो 4 अलग अलग नंबर उसको चाहिए और वो एक के बाद दूसरा नंबर बंदा बोल रहा होगा, तो इस तरह से ठीक है। अभी इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि किस इनपुट में कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है ठीक है। मे बी एक दूसरे की जगह यूज़ हो भी जाए मे बी, क्योंकि इन्होंने तो ये बना बना के छोड़ा हुआ है और ये कहते हैं कि यार हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, आपका जैसे दिल करता है आप यूज़ करो। अच्छा फिर सिर्फ ऑर्डिनल ही अगर चाहिए तो ऑर्डिनल का एक अलग से ये बना हुआ है ठीक है। सिस्टम डॉट लैंग्वेज, आप पूछ रहे हैं यार जैसे आप फ़ोन करते हैं ना, पूछता है उर्दू के लिए एक दबाएँ, इंग्लिश के लिए दो दबाएँ, लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज को जैसे ट्रांसलेटर चाहिए आपको, होटल रूम बुक कर रहे हैं और साथ ट्रांसलेटर भी चाहिए, ऐसे होता नहीं है वैसे, लेकिन ऐसी एक बात कह रहा हूँ, मुझे कहा भाई किस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर चाहिए, आप बोले यार मैं पश्तो जानता हूँ, मैं मुझे पश्तो आती है, मैं अभी अमेरिका आऊँगा मैं कैसे घूमूंगा बगैर पश्तो के, मतलब बगैर इंग्लिश के, तो मुझे एक पश्तो टू इंग्लिश वाला एक बंदा चाहिए, सही है। अच्छा करेंसी नेम इसी तरह हो गया, एक तो करेंसी था पीछे, करेंसी नेम एक अलग है, करेंसी नेम एक अलग हो गया ये, सही है ना। अच्छा अब ये ना कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि यार अगर ना सिस्टम डॉट करेंसी नेम अगर बंदे ने पकड़ा है ठीक है, और लैंग्वेज आपके चैटबॉट की है चाइनीज़, तो जाहिर है यूज़र तो चाइनीज़ में इनपुट दे रहा है, यूज़र इनपुट दे रहा है किसमें, चाइनीज़ में इनपुट दे रहा है, लेकिन सर्वर पे आपको क्या मिलेगा, वो आपको ये मिलेगा, अगर मैंने USD बोला है तो ये मिलेगा, अगर बंदे ने पाउंड बोला है तो आपको ये मिलेगा GBP, सही है। अब ये चाइनीज़ में क्या लिखा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये पाउंड लिखा हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली, सही है, या GBP भी लिखा हुआ हो सकता है, तो पाउंड लिखेंगे या पाउंड को किसी भी स्टाइल में बोलेंगे तो GBP मिलेगा पीछे पीछे को ठीक है। अच्छा इसी तरीके से सिस्टम डॉट डेट है, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है चाइनीज़ में, लेकिन मुझे रिजल्ट उसका जो पूरा एक ऑब्जेक्ट मिला करेगा ठीक है। ये हर लैंग्वेज का अलग अलग इन्होंने क्या किया हुआ है बताया हुआ है। अब मैं बोलता हूँ भाई लैंग्वेज जो है ना, चलो आप इंग्लिश में चलो, ये पूरा बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं ये तो चाह रहा हूँ कि पूरा डॉक्यूमेंट आप देख लो, डच आ गया अब इंग्लिश आ गया, ये लो इंग्लिश के अंदर ड्यूरेशन में बंदा बोलता है ना भाई 5 मिनट या 5 डेज, ये ड्यूरेशन है ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह करके पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा ठीक है। टुमोरो एट 4:30 PM है ना, टुमोरो कैसे कैलकुलेट किया इसने, वो जो टाइम सेट हुआ था एजेंट का जो टाइम जोन उसके हिसाब से ठीक है। इसी तरीके से फ्लाइट नंबर ऐसे करके दिया बंदे ने तो वो आपको ऐसे स्पेस दे के मिलेगा ठीक है। इसी तरह बंदे ने न्यूयॉर्क बोला तो न्यूयॉर्क मिलेगा, क्या है ये है जियो सिटी, सिटी का नाम ठीक है, जियो कंट्री हो गया, गिवन नेम हो गया, बंदे ने बोला मैरी या जॉन तो आपको इसी तरह मैरी जॉन स्ट्रिंग मिल जाएगा ठीक है। ये आ गया जी कैलिफोर्निया, बंदे ने बोला कि भाई 1600 पता नहीं बड़ा मुश्किल सा नाम किया है, माउंटेन व्यू और ये नीचे लिख दिया, तो ये इस तरह आपको पूरा मिल रहा होगा। वेल आते जाओ अब आगे ठीक है, सिस्टम डॉट नंबर में बंदे ने बोला ONE बोला तो आपको 1 मिलेगा इस तरह ठीक है, या सीधा 1 बोलता तो भी 1 मिलता ठीक है। इंटीजर में बंदे ने 12 बोला 12 मिला, अगर यहाँ पे 12.5 बोलता बंदा तो भी 12 ही मिलता। अच्छा नंबर सीक्वेंस में क्या किया इसने, 1, 2 और 2003, ये क्या सीन था, 1, 2 और 2003, ये 1, 2, 3 क्यों मिला यहाँ पर, सीक्वेंस ये वेल ये पता नहीं मेरे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है, ये वो सीक्वेंस नहीं है कि जो ना उसको सॉर्ट नहीं करेगा, ये सीक्वेंस वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना सीक्वेंस तो ये होता है, यानी जो मुझे पता है जो मैंने पहले देखा हुआ है कि वो एक के बाद दूसरा नंबर होता है, यानी फोन नंबर, जैसे फोन नंबर को तो वैसे एंटिटी अलग बनी हुई है, लेकिन अगर मुझे 4 डिजिट बंदे से लेने हैं तो वो सीक्वेंस लूंगा मैं उसमें, कि वो सीक्वेंस में मुझे 4 नंबर बोलेगा वो अलग अलग ठीक है जी। अच्छा कार्डिनल के अंदर मैं 10th बोलूँगा तो मुझे वो नुमेरिक 10 करके देगा ठीक है, परसेंटेज में ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ मुझे वो परसेंटेज में ही देगा ठीक है। ये सारा उन्होंने एग्जांपल बताया हुआ, इसी तरह नीचे देखो फोन नंबर है, मैं इस तरह बोलूँगा तो भी मुझे ऐसे मिलेगा, या इस तरह बोलूँगा तो ये ब्रैकेट श्रैकेट हटा देगा, स्पेस हटा देगा, सीधा करके देगा मुझे ठीक है। डिग्रीज ऐसे बोलूँ या एफ़ लिखूँ, अच्छा एक होता है डिग्री, डिग्री सेल्सियस होता है एक, वो तो सेंटीग्रेड को बोलते हैं, जो डिग्रीज है ना ये फॉरेनहाइट को बोलते हैं ठीक है।
ठीक है, कि डिग्री और डिग्रीज में ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, यानी स्पेलिंग ऑलमोस्ट एक है, एस लगता है तो वो फॉरनहाइट कंसिडर किया जाता है, और एस नहीं होता तो उसको सेल्सियस कंसिडर किया जाता है। तो अब देखो, बंदे ने एफ़ लिखा है या डिग्रीज लिखा है, तो दोनों सूरतों में क्या किया इसने, अच्छा इसमें यूनिट अननोन ले लिया डिग्रीज में, अच्छा ये भी एक बात है। वैसे डिग्रीज जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट फॉरनहाइट ही समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसने अननोन इसमें पकड़ा हुआ है। वेल ठीक है, इसी तरह सिस्टम डॉट टाइम, बंदा 4:30 PM लिखता है ना अगर, तो वो ऐसे ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, आवर 16 यानी 24 आवर टाइम जोन के, 24 आवर स्टैंडर्ड के हिसाब से 16 बज जाते हैं 4 बजे। ठीक है, 30 मिनट और सेकंड और नैनो सेकंड 0। ठीक है जी, तो ये सारा इन्होंने एग्जांपल बताया हुआ है यहाँ पे, ये सब का एग्जांपल बताया हुआ है कि किस किस तरह से क्या क्या पका। अब ये फ्रेंच आ गया आगे, ठीक है, उसके बाद अब ये उर्दू में चलते हैं, हिंदी हिंदी हिंदी, अच्छा हिंदी तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, उर्दू है इसमें, उर्दू भी होना चाहिए यार, जब लैंग्वेज है तो फिर उर्दू भी होगा, इधर STU आएगा ना उसके बाद। अरे ये क्या यार, यूक्रेनियन पे ख़त्म कर दिया, यूक्रेनियन पे सब ज़ीरो कर दिया। नहीं भाई, उर्दू का सीन ही ऑफ है इधर। यहाँ से हम सर्च मारते हैं ना बाई लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज इसमें उर्दू आना चाहिए ना। नहीं भाई, उर्दू नहीं है। आप देख रहे हो उर्दू उधर लैंग्वेज लगाई हुई, लेकिन इधर एंटिटीज के अंदर उर्दू का जिक्र नहीं है। अब ये जो करते हैं ना, ये हरकतें, बीच में इन्होंने इसको जो डायलॉग फ्लो ES है ना, उसमें उर्दू दिया था और हटा दिया था, पर इसमें उर्दू हटाया नहीं है, शायद इन्होंने गलती से उसमें छोड़ दिया है, लेकिन इधर कहीं उर्दू का कोई जिक्र नहीं है। वेल, तो हम वापस आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर। अच्छा, तो हम यार वेल, हमने क्या अभी कवर कर लिया, हमने ये इंटेंट जो है ना बनाना सीख लिया हमने, और इंटेंट में हमने ये देख लिया है कि इंटेंट बोलते वक्त बंदा कुछ ना कुछ पैरामीटर्स भी दे सकता है साथ साथ। ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर यहाँ पे मैंने पकड़ लिए। अच्छा, तो क्या क्या पकड़ लिया यहाँ पे इसने पैरामीटर, देखो जहाँ जहाँ वो एनोटेशन हुई भी ना, वो नीचे आ भी रहा है। एक डेट पीरियड दे दिया, एक नंबर दे दिया, जियो सिटी दे दिया, टाइम दे दिया, करेंसी नेम, ऑर्डिनल और ये जियो सिटी, और इतना दे के उसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे कर लें या फिर अब कल करें, टाइम तो ज़्यादा हो गया वैसे, इसको एक स्टेप और कर लें। अच्छा, फ्लो एंड पेजेस क्या चीज़ है। ठीक है, एक इंटेंट तो बन गया, लेकिन इंटेंट अभी जस्ट मैंने बनाया है, उसको मैंने किसी पेज पे नहीं लगाया, अपने चैट बॉट का मैंने पार्ट नहीं बनाया उसको अभी तक। ठीक है, इंटेंट जो बना है वो जस्ट रीयूजेबल चीज़ है, वो पड़ी हुई है अभी साइड में, उसको कहीं पे अभी अटैच नहीं किया अभी। इस वक्त जो मेरा चैट बॉट है, अगर उसको कोई आकर बोलेगा कि बुक अ फ्लाइट, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटेंट मैंने ये नहीं बताया कि किस पेज पे आके ये बंदा को, जैसे वेबसाइट होती है ना कि पहला पेज है, तो उस पेज पे क्या क्या काम हो सकता है। मिसाल के तौर पर पहले पेज पे मैंने एक वीडियो लगाई हुई है कि ये वीडियो प्ले हो सकती है ना, इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वो अभी नहीं हुआ हुआ, वो जस्ट मेरे पास वो वीडियो बन के तैयार हो गई, लेकिन अभी उसको मैंने कहीं प्लेस नहीं किया हुआ। अच्छा, तो ये फ्लो का क्या चक्कर है। फ्लो आर यूज टू डिफाइन टॉपिक्स एंड द एसोसिएटेड कन्वर्जेशनल पाथ। फ्लो जो है टॉपिक डिफाइन करने के लिए है, आप समझ लें। ठीक है, अच्छा अब ये टॉपिक, एक तो टॉपिक था इंटेंट वाला, एक तो टॉपिक क्या था, इंटेंट वाला टॉपिक था, लेकिन अब ये कौन से टॉपिक की बात हो रही है। नीचे उन्होंने डायग्राम बना के बताया था कि जी डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो जो होगा वो हाई से शुरू होगी कहानी। ठीक है, हाई से शुरू होने के बाद ये कहाँ जाएगा, टिकट इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाएगा। ठीक है, जिसमें सारी पैरामीटर्स सारे कलेक्ट हो रहे होंगे इसके अंदर, और उसके बाद इज कन्फर्म ट्रिप करके, और ये क्या हो जाएगा, यस नो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप नोट करें कि स्टेट मशीन वाली चीज़ यहाँ पे ज़रा आ गई है, जो स्टेट मशीन हमने लास्ट देखा था ना। स्टेट मशीन क्या होती है, कौन बताएगा, कल मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा, किसी ने सर्च किया घर जाके स्टेट मशीन क्या होती है, बताओ। चलो सिंपल लफ्ज़ों में यही होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं।
ठीक है, लेकिन उस स्टेट मशीन में ये डिफाइन होता है कि किस स्टेट से किस स्टेट में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर ये हाई से हमेशा फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन में आएगा, ये फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन वापस हाई नहीं जा सकता, वापस हाई नहीं जा सकता ये, ठीक है। हाई से ये फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन में आएगा, और फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद क्या होगा, जब सारे पैरामीटर कलेक्ट कर लिए जाएंगे यहाँ से, तो उसको वो बोलेगा कि इज़ दैट करेक्ट, तो इस डेट करेक्ट से वो वापस भी आ सकता है। बंदा बोलेगा नहीं नहीं करेक्ट नहीं है भाई, ये तो मैंने आफ्टरनून का 5 बोला है, 5 PM बोला है मैंने, 5 AM नहीं बोला। वापस भी आ सकता है वो, और वापस आके फिर ये जाएगा, बोलेगा इज़ दैट करेक्ट। तो ये आप देखें स्टेट मशीन है ये, है ना। स्टेट मशीन में क्या होता है कि एक वक्त में आप किसी एक जगह पे मौजूद होते हैं, ठीक है। कन्वर्जेशन की अगर हम बात करें तो मेरा कन्वर्जेशन किसी एक स्टेट में होगा, इनमें से किसी एक स्टेट में होगा। अच्छा, तो इस पूरे को मिला के ये क्या कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं ये फ्लो है ये, इस पूरे को क्या कहते हैं, ये फ्लो है ये। अच्छा, तो और डायलॉग फ्लो इसी नस्बत से इसका नाम है, ठीक है। डायलॉग फ्लो करता है ना, मिसाल के तौर पे बात चलती है और बात ख़त्म हो जाती है किसी जगह पे जाके, है ना। मिसाल के तौर पे एक जो मेरा फ़्लो होगा, जैसे मैं यहाँ के काउंटर पे कोई बंदा आता है, तो वो आएगा और वो कोर्स की डिटेल पूछने आया है, बोलेगा हाँ यार अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक है जी, अच्छा जी मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके कौन कौन से कोर्स होते हैं। उसने बोला जी यहाँ पे वेब डेवलपमेंट होता है और चैट बॉट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसने बोला भाई इन दोनों की टाइमिंग्स क्या हैं। उसने बोला यार ये टाइमिंग है कि इसकी ये टाइमिंग है, दूसरे की ये टाइमिंग है, ठीक है। उसने बोला कि यार इसके एडमिशन कब आएंगे। उसने बोला यार एडमिशन जब आते हैं तो फेसबुक के पेज पे आ जाता है, ये URL है फेसबुक के पेज का, ये आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने बोला भाई ठीक है। अब यहाँ पे फ़्लो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एक बात क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब मोस्ट प्रॉब्ली वो थोड़ा सा टाइम लेगा, शायद उस पेज को फॉलो करेगा, उस पेज को वो देखता है, शायद वहाँ से अब उसके जहन में कोई दूसरा सवाल आ जाए, तो अब ये नया फ्लो शुरू होगा, ठीक है। कन्वर्जेशन एक दफ़ा फ्लो करके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसी तरह मैं किसी बेकरी पे गया, बेकरी पे जाके मैंने बोला कि यार एक पेप्सी दे दो, सही है। तो उसने पेप्सी दी सामने से, है ना। फिर मैंने पूछा हाँ कितने हो गए, उसने बोला भाई 80 रुपये हो गए। मैंने 80 रुपये 100 का नोट दिया, मैंने कहा यार 20 मुझे वापस दो, 20 वापस दिए, ये फ्लो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये फ्लो इतना लंबा हो सकता है, इतना लंबा ना हो कभी, हो सकता है ऐसे मैं बोलूँ यार एक पेप्सी दो, 80 रुपये मेरे हाथ में, मैं यूँ रखूँ पेप्सी उठाऊँ चला जाऊँ, ठीक है। सिर्फ एक सवाल हो, एक जवाब हो, ख़त्म। मैंने बोला यार एक पेप्सी दो, उसने पेप्सी उठा के दी, मैंने यूँ पैसे रखे उठाया चला गया, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ मुझे। तो कभी कभी फ़्लो हमारा बहुत शॉर्ट भी होगा, कभी कभी फ़्लो हमारा बहुत लंबा भी होगा। जैसे अगर मैं यही काम अब जाऊँ, है ना, फ्लाई जिना के काउंटर पर जाके मैं टिकट बुक करता हूँ, अगर फ़्लाइट की टिकट, तो इसमें ऑब्वियसली सवाल जवाब सारे होंगे, इसमें सवाल जवाब सारे होंगे कि जी आपने किस सिटी जाना है। और जब मैं बताऊँगा अच्छा जी मुझे पेशावर जाना है, बोलेगा अच्छा जी आज की फ़्लाइट चाहिए मेरे को, हाँ आज की, तो वो आज बताएगा कि आज जी आज हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है, तो वो सारे सवाल जवाब होंगे। तो ये फ़्लो बिल्कुल शॉर्ट कभी भी नहीं हो सकता, ये टिकट बुकिंग का जो फ़्लो है ये बिल्कुल शॉर्ट कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ फ़्लो हमारे हो सकता है ऐसे हों जो बिल्कुल ही दो जुमले में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या है ये फ़्लो, तो फ्लो आर यूज टू डिफाइन टॉपिक एंड द एसोसिएटेड कन्वर्जेशनल पाथ, ठीक है। ये जुमला जो है ना इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली इनको फ्यूचर में कुछ बेहतर जुमला यहाँ पे लिखें शायद। टॉपिक तो एक जगह हो चुका है ना, टॉपिक तो इंटेंट है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि फ़्लो असल में चीज़ क्या है, इस जुमले पे आपको जाने की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एवरी एजेंट हैज़ वन फ्लो, हर एजेंट में एक फ़्लो पहले से बना हुआ होता है, जिसको ये कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो है, जिसको क्या कहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो है, ठीक है। अगर हम वापस अपने इस पे जाएं ना, इस बिल्ड पे जाएं, तो ये स्टार्ट पेज तो ये बना हुआ है, लेकिन ये पेज किसके अंदर है, ये पेज एक फ़्लो के अंदर है, जिसको ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट स्टार्ट फ्लो है, ये इस फ्लो के अंदर ये पेज है, इस फ्लो के अंदर ये पेज है, ठीक है। स्टार्ट पेज है, अभी इससे दूसरे पेजेस पे मूव करेंगे, अभी किया नहीं है हमने, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं जी, दिस सिंगल फ्लो मे बी ऑल यू नीड फॉर अ सिंपल एजेंट, कह रहे हैं कि हो सकता है आपको दूसरा फ्लो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है आपको दूसरा फ्लो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। शायद मैं जो होटल बुकिंग का पूरा चैट बॉट है जो, उसके लिए शायद मुझे दूसरे फ्लो की ज़रूरत नहीं है, होटल बुकिंग के लिए शायद मुझे दूसरे फ्लो की ज़रूरत नहीं है, एक ही फ़्लो में शायद मेरा काम हो जाए, कैसे भला। अच्छा, लेकिन ये मेरे पे डिपेंड करता है, जैसे रिएक्ट के अंदर हम होता है ना कि कितने कंपोनेंट में तोड़ना है अपने अपनी ऐप को, कितने सब कंपोनेंट्स बना के उसको डिवाइड करना है, तो इसी तरह इसमें भी है कि जी अब आप एक ज़बरदस्ती दो फ्लो बनाना चाहो तो बना भी सकते हो आप, मसला नहीं है, ठीक है। अगेन इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में ये बात नहीं लिखी कि जी आपको किस तरह करना है, वो कहते हैं यार आपको मैंने समझा दिया क्या चीज़ क्या होती है, आपका दिल करे आप जैसे करो,
ठीक है, डिफरेंट वीडियोस में आर्टिकल्स में लोग फिर सजेस्ट करते हैं कि जी इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तो अब ये कह रहा है कि जी एक फ्लो है, उसमें एक पेज होगा। अच्छा, फ्लो के अंदर क्या होता है, पेज होता है, और उस एक पेज के ऊपर डिफरेंट इंटेंट्स मेरे लगे हुए होंगे। सही है, उस एक पेज के ऊपर डिफरेंट इंटेंट्स लगे हुए होंगे कि जी इस पेज पे जब बंदा खड़ा हुआ है ना इस वक्त, तो ये बातें हो सकता है वो बोले। अच्छा, कोई और बात बोलेगा वो दूसरे पेज पे, वो नहीं पता लगेगी उसको। तो होटल बुकिंग का जो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना, चैटबॉट जो बनेगा वो एक फ्लो में इसलिए हो जाएगा क्योंकि होटल बुक करने जब मैं रियल में जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं काउंटर पर जाके खड़ा होता हूँ और किसी एक, हाँ पे रूम अवेलेबल है ये बोलता हूँ ना मैं, हाँ पे रूम अवेलेबल है, इससे बात शुरू होती है और बात से बात निकलते निकलते बुकिंग कंप्लीट करके मैं वहाँ से हटता हूँ, है ना। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो हमें होटल बुकिंग के लिए ना एक ही फ्लो में ये पूरा का पूरा काम होगा। अच्छा, इंटेंट इसमें बहुत सारे होंगे, क्योंकि होटल बुक करते हुए देखो मैंने पहली बात क्या पूछी कि यार रूम अवेलेबल है, उस बोलेगा हाँ या नहीं, है ना। अगर तो वो नहीं बोल देता है तो बात ही ख़त्म हो गई, अगर वो हाँ बोलता है तो बात आगे चलेगी कि हाँ जी रूम अवेलेबल है। मैं कहूँगा हाँ भाई कितने पैसे लगा रहे हो रूम रूम के, तो वो सामने से मुझे बताएगा भाई एसी वाला रूम 5,000 और जो नॉन एसी है वो 3,000। ठीक है, अभी हम कश्मीर गए थे तो वहाँ पे ये रेट चल रहे थे कि जी एसी वाला जो है 5,000। हमने कहा यार एसी का क्या करना है, तो पता ये चला कि दोपहर में बड़ी गर्मी है तो कह रहे यार दोपहर में कुत्तों वाली गर्मी है यहाँ पे, है ना, मुजफ़्फ़राबाद में। हम शाम को 6 बजे शायद पहुँचे थे वहाँ, तो हमें लगा कि यार अब तो ठंड होगी यहाँ पे, तो उसने बोला नहीं बेटा दोपहर में गर्मी है। हमने ऐप में देखा, हाँ यार गर्मी तो है दोपहर में। हमने कहा चलो फिर एसी वाला बुक करते हैं। तो वेल, तो उसने बोला कि भाई एसी के जो है वो 5,000, ये रियल डेटा बता रहा हूँ आपको मुजफ़्फ़राबाद का, और नॉन एसी के 3,000। हमने कहा चलो यार एसी वाला बुक मारो, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने मुझसे बोला कि लाओ यार अपना NIC दो। NIC दिया उसने, नाम शाम नोट किया, या मुझसे नाम डायरेक्ट पूछता या उसने NIC लेके खुद ही देख लिया, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि यार ये लो रूम की चाबी, जाओ। यहाँ पे फ्लो हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और रूम बुकिंग भी कंप्लीट हो गई आपके यहाँ। अच्छा, अगर मुझे कोई और बात पूछनी होती, जैसे ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि यार ठंडा गर्म पानी है या नहीं है, तो बोल देता हाँ यार है ठंडा गर्म पानी, या बोल देता नहीं यार सिर्फ जो टैप वाटर है। ठीक है, टैप वाटर मौसम के हिसाब से ठंडा या गर्म होता है खुद ही नेचुरल। तो या इस तरह से कोई और बात अगर पूछनी हो मुझे कि बूफे है या नहीं है आपके पास, है ना, जो कुछ होटल्स होते हैं जो सुबह के वक्त नाश्ता फ्री होता है उनका, तो वो एक छोटा सा बूफे लगाते हैं। बूफे क्या लगाते हैं, वही चने अंडे ही होते हैं उसके अंदर, जो मतलब पठान के होटल वाला नाश्ता होता है एक्चुअली, तो वो, लेकिन ये कि वो नाश्ता फ्री होता है, तो वो होता है कुछ जगहों पे। तो मैं पूछूंगा कि हाँ यार ब्रेकफास्ट आप देते हैं, या ब्रेकफास्ट फ्री देते हैं, या ब्रेकफास्ट पेड भी होता भी है या नहीं होता। समटाइम होता ही नहीं है ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ही नहीं होता, है ना। फिर इसी तरह जो है वो और भी मैं कुछ बातें पूछ सकता हूँ उससे कि और क्या पूछ सकता हूँ यार, चेक इन चेकआउट का टाइम पूछ सकता हूँ मैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अब आया हूँ रात को, तो मैं पूरी रात स्टे करूँगा, तो अगले दिन मुझे अब प्लान करना है ना अपना, तो मैं उसी हिसाब से पूछूँ यार आपका चेकआउट का टाइम कितने बजे। अगर तो चेकआउट का टाइम 12 बजे या 2 बजे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के ज़रा जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ ज़रा चक्कर मारूँगा मैं, और उसके बाद वापस आके मैं चेकआउट करके फिर अगली जगह पे चला जाऊँगा। क्योंकि हम अगर मेरे केस में बात करूँ तो मुजफ़्फ़राबाद में स्टे हमने किया था सिर्फ नाइट के लिए, अगले दिन हमने जाना था नीलम, तो मतलब एक्चुअल मुजफ़्फ़राबाद मेरा डेस्टिनेशन नहीं था। लेकिन अगर मेरा चेकआउट का टाइम ज़रा लेट है, अगर 2 बजे अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं सुबह वाला टाइम यूटिलाइज़ कर लूँगा थोड़ा सा, तो या फिर अगर चेकआउट अर्ली है 9 बजे, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं बस वालों को फ़ोन मारूँगा कि क्योंकि मुझे 9 बजे बस देखनी है फिर। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से प्लान करूँगा। तो इसलिए शायद मैं ये सवाल भी पूछ सकता हूँ कि जी चेक इन चेकआउट का टाइम भी आप बता दें। तो फ्लो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये इस एक ही फ़्लो में ये सारी बातें हो रही होंगी, तो ये जो सारे इंटेंट्स हैं ना, ये एक फ़्लो के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे हम। ठीक है, तो ये फ़्लो हमने समझ लिया कि जी फ़्लो क्या होता है। अच्छा, अब ये क्या इसने और बात की यहाँ पे, तो इसने कहा कि यार दिस सिंगल फ्लो मे बी ऑल यू नीड फॉर अ सिंपल एजेंट, हो सकता है आपके एक ही फ्लो में आपका काम हो जाए। मोर कॉम्प्लिकेटेड एजेंट्स मे रिक्वायर एडिशनल फ्लोज एंड डिफरेंट डिवेलपमेंट टीम्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग डिफरेंट फ्लोज। कि जी एक फ़्लो जो है ना, इन्होंने फ़्लो को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि एक फ़्लो दूसरे फ्लो से बिल्कुल अलग रहता है।
ठीक है। अच्छा लेकिन हम अभी जो है ना एक ही फ्लो पे काम करेंगे, तो हमें दो फ्लो के अभी सोचने की जरूरत नहीं कि दूसरे फ्लो में क्या होगा कैसे होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि यार दो फ्लो को हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि दो फ्लो पे अगर दो अलग अलग टीमें काम कर रही हों तो इट इज़ सस्टेनेबल, कि वो सस्टेन अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा एवरी फ्लो स्टार्ट्स विद अ पेज, अच्छा हर फ्लो के अंदर अब क्या होगा, पेज होगा। अच्छा पेज को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, जो स्टेट मशीन हमने डिस्कस की थी ना, कि एक पेज एक स्टेट है, स्टेट मशीन के अंदर एक पेज एक स्टेट है। स्टेट में क्या होता है कि एक स्टेट से आप दूसरे में जा सकते हो, ठीक है। जैसे एसी के अंदर क्या है, चार स्टेट हैं, चार अलग अलग मॉड्स हैं, तो वो एक से दूसरे में मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये डिपेंड करता है एसी के कंट्रोल पे, कि एसी का कंट्रोल मुझे क्या अलाउ करता है, कि क्या मैं कूल से ड्राई पे जा सकता हूँ और ड्राई से वापस कूल पे आ सकता हूँ, है ना। या जैसे हाँ आमतौर पर एसी में बटन होता है, एक ही बटन होता है, दबाओ तो वो एक ही लीनियर में चल रहा होता है, यानी हमेशा कूल के बाद हमेशा ड्राई आएगा और ड्राई के बाद हमेशा हीट आएगा, फिर वो घूम के आएगा दूसरी साइड से, है ना। वंस अगर मैं ड्राई पे चला गया तो मैं वापस कूल पे नहीं आ सकता, मुझे पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो ये स्टेट मशीन डिसाइड करती है कि यार किस स्टेट से किस स्टेट में आना हम अलाउ कर रहे हैं। अच्छा ये कोई बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं है स्टेट मशीन की, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मैटर नहीं करता कि अगर मैं कूल से ड्राई पे चला जाऊँ या ड्राई से वापस कूल पे आ जाऊँ, ये मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर, आ जाऊँ तो भी ठीक है, ठीक है, अगर घूम के आ जाऊँ तो भी ठीक है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे स्टेट मशीन में ना हम ये बता देते हैं कि इस स्टेट से आपने इस स्टेट में ही जाना है, वापस नहीं आ सकते आप। जैसे एक मैं बेहतर एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑर्डर प्लेस किया मैंने, अब तो मेरे जो ऑर्डर का जो स्टेट है इस वक्त, पहला जो स्टेट होगा मेरे ऑर्डर का वो होगा कि जी पेंडिंग है, ऑर्डर क्या होगा, पेंडिंग होगा। अच्छा पेंडिंग से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कैंसिल, इसको मैं बल्कि ड्रॉ कर दूँ ना अगर, तो शायद ये बेहतर रहेगा। हाँ ट्रैफिक लाइट्स भी एक्चुअली हैं, यस यार अभी मैंने क्या एग्जांपल बोली थी मैं वो भूल गया, क्या एग्जांपल बता रहा था मैं अभी, ऑर्डर का बता रहा था, ऑर्डर का, ऑर्डर का। अच्छा ऑर्डर जो सबसे पहले प्लेस होगा ना मेरे पास, वो इस वक्त क्या होगा, वो पेंडिंग स्टेट में होगा, ठीक है। स्टेट मशीन समझा रहा हूँ क्योंकि डायलॉग फ्लो का जो पेजेस है ना वो प्योरली स्टेट मशीन पे चलते हैं, अगर ये नहीं समझ आएगा तो वो समझ नहीं आएगा कि ये चल क्या रही है, ये सही है रिकॉर्डिंग चल रही है कंट्रोल उदय कंट्रोल। अच्छा पेंडिंग से क्या हो सकता है, ये जा सकता है कैंसिल के ऊपर, ठीक है, कि मैं कैंसिल कर दूँ, मैं रिजेक्ट कर दूँ, मैं पकड़ू ही ना। और दूसरी स्टेट क्या हो सकती है इसकी, कि ये मैं उसको अप्रूव कर दूँ, है ना, यानी एक्सेप्ट कर लूँ मैं इस ऑर्डर को, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। अच्छा एक्सेप्ट करने की सूरत में एक्चुअली वो एक्सेप्टेड में नहीं जाएगा, एक्सेप्ट अगर मैं बटन दबाता हूँ तो वो चला जाएगा प्रिपेयरिंग में चला जाएगा, ठीक है। या मे बी शायद मैं एक्सेप्टेड का एक बना दूँ यहाँ पे स्टेट, कि जी एक्सेप्ट तो हो गया लेकिन अभी बनना शुरू नहीं हुआ आपका ऑर्डर, मे बी मैं एक स्टेट बना दूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे ना शायद मुझे ये बनाना पड़ेगा कि एक्सेप्टेड के स्टेट में लेकिन अभी प्रिपेयरिंग शुरू नहीं हुई। उसके बाद क्या होगा, ये प्रिपेयरिंग पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये प्रिपेयरिंग के स्टेट में जाएगा मेरा ऑर्डर, ठीक है। अच्छा प्रिपेयरिंग के बाद क्या होगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल पॉसिबल स्टेट में बता रहा हूँ, जितने भी पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं ना मैं वो सारे यहाँ पर बना रहा हूँ। और आमतौर पर जो एंटरप्राइज ग्रेड के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें यही करते हैं कि वो जितने पॉसिबल स्टेट होते हैं सारे बनाते हैं। हाँ बावजूद इसके कि वो प्रिपेयरिंग यानी पेंडिंग से ना वो मतलब एक्सेप्ट ना हो और डायरेक्ट वो प्रिपेयरिंग पे मूव करे, है ना, लेकिन सिस्टमेटिकली वो अंदर क्या हो रहा होगा कि वो कुछ मिली सेकेंड के लिए एक्सेप्टेड पर रुकेगा आगे, यानी मतलब पेंडिंग से वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक्सेप्टेड से फ़ौरन वो प्रिपेयरिंग पे मूव कर जाएगा, लेकिन वो बीच में एक स्टेट ये मौजूद होगी। अच्छा अब मिसाल के तौर पर ये जी रेडी के बाद मैंने क्या बोल दिया कि मैंने कहा भाई पिकअप हो गया आपका, ठीक है, पिकअप हो गया। अच्छा पिकअप के बाद क्या स्टेट होगी, डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड। मैं सर मैं सिर्फ डी शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि ज़रा ड्रॉ करने में लिए आसान रहे। तो ये मेरे ना ये तमाम पॉसिबल स्टेट्स हैं जो एक ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें जब ये पेंडिंग में है तो पेंडिंग से मैं कहाँ जा सकता हूँ, पेंडिंग से मैं कैंसिल पे जा सकता हूँ। अच्छा कैंसिल पे जब ये चला गया वंस तो ये अब कैंसिल से ये कहीं और नहीं जा सकता, ये ख़त्म हो गया। ये अगर अब बंदे को उस ऑर्डर दोबारा करना है तो वो दोबारा प्लेस करेगा ऑर्डर। अच्छा वंस ये एक्सेप्टेड हो, पेंडिंग से ये एक्सेप्ट भी जा सकता है, पेंडिंग से ये एक्सेप्ट भी जा सकता है और कैंसिल पर भी जा सकता है।
अगर एक्सेप्ट पे जाता है तो उसके आगे मजीद स्टेट भी हो सकते हैं इसके, लेकिन कैंसिल पे आने के बाद कहीं और नहीं जा सकता ये। अच्छा, एक्सेप्ट होने के बाद भी क्या दोबारा कैंसिल हो सकता है? एक्सेप्ट होने के बाद भी अगर मैं चाहूँ, ये मेरे बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैं एक्सेप्ट होने के बाद भी चाहता हूँ कि यार अगर प्रिपेयरिंग यानी शेफ़ उसको प्रिपेयर ना करे और बोले यार मैं नहीं कर रहा, तो शायद मैं कर दूँ। लेकिन मेरे केस में मैं कहता हूँ नहीं यार, एक्सेप्ट हो गया ना तो प्रिपेयरिंग होगा फिर, ठीक है। अच्छा जी, प्रिपेयरिंग पे फिर चला गया ये। अच्छा, प्रिपेयरिंग के बाद, प्रिपेयरिंग से आगे जाने में उसके बाद रेडी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग के बाद ये रेडी ही होगा, ठीक है। और रेडी के बाद क्या होगा? ये पिकअप ही होगा, कोई और स्टेट नहीं हो सकती। यानी अब रेडी होने के बाद ये कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, और प्रिपेयरिंग के बाद ये डिलीवर्ड हो सकता है, ठीक है। और डिलीवर पे आके ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। वंस ये डिलीवर हो गया ना, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस मजीद नहीं आएगी। तो ये मेरा एक स्टेट मशीन है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि यानी एक्सेप्ट होने के बाद भी कैंसिल हो सके, तो मैं ये बोल दूंगा कि यार एक्सेप्ट, तो ये कैंसिल पे आके फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं रखना चाह रहा फिलहाल अभी, ये ऐसे हो जाएगा ये। तो ये स्टेट मशीन होती है मेरी, ये इनमें से ही कोई स्टेट होगी इसके अलावा, और इसका पाथ इसी तरह होगा, है ना। जब रिवर्स पाथ मैंने नहीं रखा है तो नहीं होगा, रिवर्स पाथ अगर मैंने नहीं रखा है तो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर का मैंने एग्जांपल दिए। अच्छा, इसके अंदर ना दो चीज़ें कवर नहीं हुई, मिसाल के तौर पे कि उसी स्टेट से घूम के उसी स्टेट पे वापस कैसे आएगा। ये स्टेट मशीन में ये भी होता है कि जी क्या इसी स्टेट से घूम के इसी स्टेट में वापस आ सकता है ये, है ना। यानी मिसाल के तौर पर वंस ये प्रिपेयरिंग हो रहा है, तो प्रिपेयरिंग से घूम के ये वापस प्रिपेयरिंग पे तो नहीं आ सकता ना। मेरे इस बिजनेस लॉजिक में ये चीज़ नहीं है पॉसिबल कि जी एक चीज़ प्रिपेयरिंग है और घूम के वापस वो प्रिपेयरिंग पे आ जाए। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है। तो स्टेट मशीन में क्या होता है कि सेम स्टेट से घूम के आप सेम स्टेट में भी आ सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट से घूम के आप दो स्टेट पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप बताएंगे कि जी मैंने उसको कोड आप इस तरह करेंगे ना कि इस तरह हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हमने इफ़ एल्स की कंडीशन जब पढ़ी थी, उसमें एक नंबर स्केल हमने डिस्कस किया होगा, किया था हमने यहाँ पे, कि नंबर स्केल मैंने बना के किया था कि जी वो कोई पॉइंट भी ऐसा ना रह जाए कि वो इफ़ एल्स में बच के निकल जाए। तो ये असल में वो वाली चीज़ है कि एक मैं मैप बना रहा हूँ कि इस तरह से होगा, तो मेरा कोड जो होगा मैं वो मेक श्योर करूँगा कि वो कभी भी पेंडिंग से वो एक्सेप्टेड पे जाए, तो एक्सेप्टेड पे जाने के बाद ना उसके बाद कोई ऐसा तरीका ना हो कि वापस वो पेंडिंग में आ सके। ये उसको मैं ब्लॉक मारूंगा, इसको इस तरह से मैं कोडिंग करूंगा इसकी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे डायलॉग फ्लो के अंदर भी कि जी आपका जो है ना ये एवरी फ्लो स्टार्ट विथ अ पेज, जो पेजेस है ना ये वो क्या है, वो स्टेट मशीन है एक्चुअली। अच्छा, पेज हो गया, पेज समझ आ गया। अच्छा, हर फ्लो में एक पेज पहले से बना हुआ, बाकी के पेजेस मैं खुद बनाऊंगा। एंड इज मेड ऑफ वन और मल्टीपल डिफरेंट पेजेस, ठीक है। कह रहा है एक पेज बना हुआ होता है और फ्लो के अंदर हो सकता है एक ही पेज का फ्लो या मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। देयरफॉर टू हैंडल द कन्वर्जेशन विद इन अ पर्टिकुलर फ्लो देयर आफ्टर, अच्छा, वो कह रहे हैं कि मल्टीपल पेज होंगे वो इसलिए होंगे कि उसको अच्छे से हैंडल किया जा सके, ठीक है जी, समझ आ गई बात। द करंट पेज एंड एंड यूजर इज ऑन कंसिडर्ड द एक्टिव पेजेस, ठीक है। द करंट पेज, जो भी जिस करंट पेज पे इस वक्त बंदा मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जी बंदे ने आके बोला हाय, अब हाय बोल के वो कोई और बात की उसने, फिर उस बात से कोई और बात निकली, फिर उस बात से, तो वो जिस बात पे अभी इस वक्त वो है वो उसका क्या कहलाएगा, वो करंट पेज कहलाएगा, ठीक है। करंट पेज एंड एंड यूज़र इज ऑन इज कंसिडर्ड द एक्टिव पेज, ठीक है। जिस पेज पे भी वो है वो अभी एक्टिव पेज कहलाएगा कि अभी कौन सा पेज एक्टिव है। Each page can be configured to collect any required information from the end user. अब ये जो एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है बंदा, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जा रहा है, तो हर पेज पे जब वो मौजूद होगा तो उस वक्त मैं वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उससे मैं कलेक्ट करने के काबिल होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई हमें। अच्छा, तो हमने आज ना यहाँ पे फ्लो और पेजेस समझ लिया, ये हमें बात समझ आ गई। अच्छा, हेलो वर्ल्ड अभी भी आना कम्प्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लान तो मेरा ये था कि इसको आज हम कंप्लीट कर लेते, लेकिन शायद ज़रा इसको कंप्लीट करने में मज़ीद टाइम लगेगा अभी, क्योंकि असल में एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं जो अभी तक शायद कंप्लीट नहीं हुए। वो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स जब तक सारे समझ नहीं आएंगे हम हेलो वर्ल्ड उसका कैसे बना पाएंगे, हम हेलो वर्ल्ड बनाना हमारे लिए ज़रा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है।
अच्छा अगेन डायलोफ्लो CX जो है ना, इसका लर्निंग कर्व हर बंदे ने यही लिखा है कि इसका लर्निंग कर्व अच्छा खासा है, ठीक है। डायलोफ्लो ES जो होता है ना, उसमें अभी तक मैं हेलो वर्ल्ड तो पहली क्लास में बना चुका होता, दूसरी क्लास में एक होटल बुकिंग का छोटा सा चैट बॉट बना चुका होता, ठीक है। लेकिन डायलोफ्लो CX का जो लर्निंग कर्व है वो ज़्यादा है। अच्छा अगेन डायलोफ्लो CX पे हम क्यों मूव हो गए, क्योंकि ये V3 है, उसका लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा मैंने चेक किया था कल जाके, उसको डेप्रिशिएट उन्होंने नहीं किया, उसके कुछ चीज़ों को डेप्रिशिएट किया है। डायलोफ्लो ES है ना, V2 जो है उसको डेप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने, कल मैंने क्या दिया था ना, डेप्रिशिएट हो चुका है वो। असल में उसकी कुछ चीज़ों को डेप्रिशिएट किया है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट की इंटीग्रेशन थी उसको किया है, कुछ उसमें एक दो छोटे छोटे फीचर थे उसको डेप्रिशिएट, लेकिन ओवरऑल उसको डेप्रिशिएट नहीं किया है, ठीक है। अच्छा मैंने कल सर्च दोबारा ये भी किया था, वो लोग कह रहे थे कि ये को एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों साथ साथ रहेंगे। अच्छा तो डायलोफ्लो CX का फिर यूज़ केस क्या है, तो ये कह रहे थे कि यार जो बड़े एजेंट्स हैं ना, जो एंटरप्राइज ग्रेड के हैं, वो इस पे बना करेंगे, और जो छोटे वाले हैं वो उस पे भी बना सकते हैं आप। लेकिन हमने ये देखना है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ है CX के अंदर है, ठीक है। CX के अंदर बड़े एजेंट के लिए वैसे तो ये डिज़ाइन है, लेकिन छोटे भी बन जाते हैं इसमें ऑन अदर हैंड, वो दूसरे वाले में छोटे वाले तो बनते हैं, बड़े नहीं बनते। अच्छा बड़ी कंपनीज ज़्यादातर अब मैंने देखा है, जो क्योंकि जो फ्रीलांसिंग जो मैं कर रहा होता हूँ, तो उसके अंदर जो अब रिक्वायरमेंट्स आ रही है ना लोगों की, तो लोग CX की बात कर रहे हैं। अच्छा CX सब लोगों के लिए लर्निंग कर रहे हैं इस वक्त, तो बहुत से बंदे आते हैं, वो पूछते हैं कि यार CX में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस तरह की अभी ना बातें शुरू हो गई हैं। CX अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि हाँ यार ये कोई अच्छी चीज़ है, और ज़रा फ्लो वो दिखता है ना, इन्होंने डॉक्यूमेंट में हर जगह वो फ्लो बना बना के दिखाया हुआ है, तो फ्लो चार्ट जैसा दिखता है, तो नॉन टेक्निकल लोग बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर। उनको पता नहीं है क्या चीज़ पे उसको पता नहीं है किस दरवाजे में दाखिल हो रहे हैं वो, लेकिन बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं नॉन टेक्निकल लोग ना, उनको लग रहा है कि शायद ये हम इस पर बनवाएंगे ना, तो बाद में हम खुद भी छोटी मोटी चेंजेस इसमें कर लेंगे, ठीक है, जो उनके भूल है जो के। लेकिन ये हो रहा है भाई, हो सकता है गूगल वालों ने जानबूझ के ये हरकत की हो, कि जो सारे जो नॉन, क्योंकि आजकल ना बड़ा एक चला हुआ है सोलोपिन्योर। सोलोपिन्योर में क्या होता है जी, एक बंदा होता है, उसकी एक कंपनी होती है छोटी सी, कोई उसने वेबसाइट बनाई होती है, उसी से वो कमा रहा होता है उसी, और हर चीज़ खुद करता है वो, सारी चीज़ें खुद हैंडल करता है, कोई बंदा फाइनेंस का बंदा नहीं होता उसके पास कोई। अच्छा काम किस, ज़्यादातर वो नॉन टेक्निकल होते हैं सोलोपिन्योर। अच्छा वो काम किससे करवाता है, वो हमारे जैसे लोगों से, ये फ्रीलांसर है कोई, वो बोलेगा कि यार अच्छा यार एक काम करो तुम ना, एक बना दो वो बना दो सोलमेट बना दो, एक ChatGPT पे ना एक ऐसा चैट बॉट बना दो जो बस गर्लफ्रेंड बन के बात करे वो, सही है, और बस करता रहे। अच्छा और 10 कन्वर्जेशन स्टेप के और पैसे मांगे, और छोटी सी ऐप, 10 कन्वर्जेशन स्टेप के और पैसे मांगे, $5 महीने की सब्सक्रिप्शन है, बस $5 का है, बात होती रहे बस। तो इस तरह की वो छोटी सी ऐप बनवाएगा वो, और वो उसको चलाता रहेगा। अच्छा फिर वो तो इस तरह के बंदों को ना सोलोपिन्योर कह रहे हैं वो। अच्छा तो बहुत बड़ी ऐप कभी भी नहीं बनवाते, ये छोटी ऐप बनवाते हैं, तो उस तरह के बंदे ना बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इसके ऊपर बनाओ, ये उसको दिख रहा है ना फ्लो चार्ट है उसको, वो कह रहा है यार मैं खुद भी, मुझे अच्छा, ये इनकी कोशिश ये होती है इस तरह के बंदों की, क्योंकि नॉन टेक्निकल होते हैं और ये सोलो होते हैं, तो इनकी कोशिश ये होती है कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखता रहूँ, तो इस वजह से वो बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पर। अच्छा ChatGPT पे बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि ChatGPT हाइप में है, इन ये ढूंढते ही ऐसी चीज़ें जो हाइप में हो ताकि उस पर काम कर सकें, ठीक है। अच्छा फिर ये और करते भी इस तरह मल्टीपल मारते हैं, ये एक प्रोडक्ट पे नहीं चलते, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स मार रहे होते हैं दमा दम, कहते हैं कोई एक तो चलेगी वो, यानी हर महीने एक महीने जो दिमाग में आया ना ख्याल, उसको उसी महीने किया एग्जीक्यूट, महीने के आखिर तक हुआ कुछ नहीं हुआ उसको बंद कर देते हैं, बोलते हैं यार छोड़ो बंद हो गया, वो नया बनाते हैं, कुछ नया सोचेगा फिर वो, ठीक है। इंटरनेट पर पूरा दिन बैठे रहेंगे ये, पूरा दिन इसकी उसकी बातें और जो रोगन की बातें सुनते रहेंगे बैठ के, ठीक है, बुक्स पढ़ देंगे, रिच डैड पता नहीं कौन सी बुक्स पढ़ेंगे सारी, साइकोलॉजी के अंदर घुसे रहेंगे, इस तरह की अजीब हरकतें ये ज़रा करते हैं ना। तो ये इस तरह के बंदे ना फ्रीलांसिंग में बहुत टकरते हैं, जो बंदे ना अच्छा उनसे अगर मीटिंग पे गलती से ले लिया ना उनको, तो वो पता नहीं अपनी राम कथा सुनाने लग जाते हैं, कहते हैं यार ज़िंदगी में मैंने ज़िंदगी को मैं समझाऊँ सिर्फ, मैं जब मैंने फला बुक पढ़ी जब, तो उसने तो मेरी आँखें खोल दी, तो ये इनलाइटन हो गया हूँ मैं, और पता नहीं इस तरह की उल्टी बातें सारी ना। उनको लगता है कि यार हम मतलब जो चीज़ देख पा रहे हैं ना वो कोई नहीं देख पा रहा, उनको मतलब इस तरह का एक सेंस होता है ना, यानी आप समझ लो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एक तरह का जो उनके अंदर होता है। बोल एक बंदा मेरे से कह रहा है यार मैंने बहुत काम किए लेकिन मैं कभी सामने नहीं आया, कह रहा है ये जितने CIA VIA के प्रोजेक्ट है ना सारे, ये सब के पीछे मेरा हाथ है लेकिन मैं कभी सामने नहीं आया। मैंने कहा यार थोड़ी लंबी कम छोड़ लेकिन क्या पता हो भी, कह रहे नहीं यार सामने आने से मसला होता है, फिर लोग ओपिनियन बन जाता है लोगों का, फिर लोग दुश्मन हो जाते हैं,
कह रहा है मैं पीछे रह के काम करता हूँ, बैक स्टेज पे रह के काम करता हूँ, समझ रहे हो? मतलब इस तरह की उल्टी बातें ये सारी अपनी, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन वो कर रहा है भाई सारी बातें। तो सोलोपिनियोर को ज़रा हैंडल करना भी मुश्किल होता है इस सेंस में। अच्छा फिर वो जब बन जाएगा वो बोलता है मेरे को सिखाओ तो सही, बोलता है ये तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा है तुमने क्या बना दिया है। अबे तो कहाँ से समझ आएगा, तो प्रोग्रामर थोड़ी है, तो उसको समझाओ फिर। तो बस 15-20 मिनट का सेशन दे दो, अच्छा ये यहाँ से निकल के रिक्वेस्ट यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, ठीक है, उसको बोलो बस ये रिक्वेस्ट चली गई यहाँ से, अभी अंदर क्या हुआ वो नहीं बताते हम उसको, वो बताएंगे तो फिर वो और टेक्निकल पूछेगा, वो इलॉन मस्क बनने की कोशिश करेगा। इलॉन मस्क यही करता है ना, इलॉन मस्क इंजीनियर हायर करता है, उसके सर पर खड़ा हो जाता है, बोलता है पूरी गाड़ी जो तेरे को आता है ना सब मेरे को सिखा, उसके साथ घूमता रहता है। अब वो 8 घंटे बंदा ना खड़े होकर काम कर रहा है, उसके साथ खड़ा रहता है, बोलता मैं खड़ा रहूँगा इधर, मेरे को सब सिखाता रहेगा, पूछता रहेगा ये क्या है वो क्या है वो क्या है, पूछता रहेगा ऐसे। तो वो यानी जितने भी काम होते हैं ना उसकी कंपनी के अंदर, वो सब उसको आते हैं, खुद आते हैं अपने हाथ से। तो वो भी काइंड ऑफ एक सोलोपिनियोर तो नहीं है, खैर उसने तो खैर कंपनी बना ली है, अच्छा काम ये किया उसने, सोलोपिनियोर रहना ज़रा ख़तरनाक है। सही है। वेल तो हमने फ्लो यहाँ तक डिस्कस कर लिया, अब यहाँ से आगे मेरे ख्याल इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलते हैं, सही है ना? तो ये मैंने आपको रीज़न बता दिया कि हम CX पे क्यों जा रहे हैं। CX पे इसलिए जा रहे हैं, मार्केट में हाइप बढ़ रही है भाई, जिस चीज़ की डिमांड होगी हम तो वही सीखते हैं, है ना? तो ये मार्केट में डिमांड बढ़ रही है इसलिए हम CX पे मूव कर रहे हैं। बाकी अगर किसी ने डायलो फ्लो ES करना है अगर, तो वो मैं कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ पहले, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वो उसमें से कोई आप देखेंगे बहुत आसान है, वो ईजी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है कि वो ES को आप भूल जाएँ अभी फिलहाल। भूलने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो असल में मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना CX को समझने में, वो पता है क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे पुराना वर्जन आता है। अच्छा पुराने वर्जन से ये है, बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है भाई, बिल्कुल एकदम ऐसे उठा के यूँ उल्टा करके रख दिया। तो अगर किसी को पुराना वर्जन आता है ना CX ये डायलॉग फ्लो वाला, अबे भाई वो तो ये सीख ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ। तो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वैसे भी ऐसे बोलते हैं ना लोग कि आपको चीज़ों को लर्न करना होता है फिर अनलर्न करना होता है। अभी मैं अनलर्न कर रहा हूँ पुराना वर्जन जो मैंने सीखा हुआ है, अब मुझे हज़म ही नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे मैं कल एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने स्टेटस भी लगाया था, शायद आप में से व्हाट्सएप पे कोई है मेरे तो देखा होगा। तो वो मैं एक चीज़ करना चाह रहा था, वो डायलॉग फ्लो के पुराने वर्जन में वो उस तरह से होती थी, मैंने कहा इसमें भी वो होना चाहिए, अब इसमें वो किसी और तरह से होती है, उस तरह से नहीं होती वो। अब मैं उसको लगा हुआ, मैं कहा कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे हो गई है? तो वो फिर पता चला कि जी ये तो नए वर्जन में उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट मार दिया पूरा, इस तरह से काम ही नहीं होता, वो स्टेट मशीन वाले अप्रोच से होता है। मैं बताता हूँ कि स्टेट उधर फेंक दो, उठा के स्टेट तो उधर फेंक देता है। अदरवाइज़ पहले हम क्या करते थे, पहले हम बोलते थे कि जी वो फुलफिलमेंट का जवाब देते थे और उसके बाद इनिशियल मैसेज दोबारा मारते। वेल अभी वो टेक्निकल बात है, वो नहीं बता रहा, मेरा पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अगर अभी जो है ना पुराना वर्जन अगर किसी को नहीं आता है तो वो बिल्कुल भी ना सीखे पुराना वर्जन, क्योंकि पुराना वर्जन अगर सीख लिया आपने तो ये सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। अभी जो मैं हूँ ना, मैं पुराना वर्जन भूलने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। एक्चुअल में ना पुराना वर्जन भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और अब ये नया सीखूंगा, अभी मैं आपके साथ सीखूंगा, ये सल चल रहा है, साथ साथ सीखेंगे सारे, ठीक है यार, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर यार। हाँ हर चीज़ पॉसिबल है लेकिन तरीका अलग है, बिल्कुल अलग है तरीका। जैसे मैनुअल गाड़ी होती है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, अब कोई है ऐसा बंदा जिसने दोनों चलाई हो, मैनुअल और ऑटो दोनों चलाई हो? अच्छा तो फिर तो बात समझ नहीं आएगी ना, लेकिन चलो फिर मैं बताता हूँ फिर भी। मैं देखो मैनुअल गाड़ी में ना, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही आपकी, अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैनुअल गाड़ी में आप क्या करते हो, दूसरा गियर लगाते हो और क्लच पकड़ते हो आप और धक्का लगाते हो आप, जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी चलती क्लच छोड़ते हो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक गाड़ी में ये हो नहीं सकता, ऑटोमेटिक गाड़ी में ये इसलिए नहीं हो सकता कि उसका जो गियर है ना वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी गियर काम ही नहीं करेगा, या बैटरी जब तक नहीं होगी, बैटरी से भी उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, तो जब तक उसमें गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ना, चाहे वो बैटरी की सूरत में चाहे इग्निशन की सूरत में, वो गियर काम ही नहीं करेगा। अब गियर जो आपने न्यूट्रल पे करके खड़ा किया ना उसको, वो न्यूट्रल से ऊपर नीचे होगा ही नहीं, या पार्किंग पे खड़ा किया, ठीक है, पार्किंग में ये होता है टायर ज़रा जाम हो जाते हैं, टायर हिलते नहीं है, न्यूट्रल पे टायर हिल रहे होते हैं, तो आपने अगर पार्किंग पे किया या आपने न्यूट्रल पे किया है, चलो न्यूट्रल पे थी आपकी गाड़ी पहले से, अगर अब आप धक्का लगाते हो ना, आप चाहते हो कि यार मैं न्यूट्रल से जब गाड़ी चल पड़े तो उसको मैं डी पे कर दूँ, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अच्छा डी पे 4 गियर हैं या 5 गियर हैं, तो वो कब चेंज होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, अब गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं है, तो धक्का स्टार्ट ले आता उसमें हो ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक गाड़ियों में धक्का स्टार्ट हम कर ही नहीं सकते,
उसमें एक वाहिद हल ये होता है, बैटरी निकालो, चार्ज करवा के लाओ और फिर स्टार्ट करो। या कोई गाड़ी आसपास जा रही है अगर, तो उससे जंपरिंग करके, अगर जंपर वायर रखते हैं लोग ऑटोमेटिक गाड़ी में, जंपर वायर रख रहे होते हैं आमतौर पर, तो इसीलिए रखते हैं वो। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चीज़ें और भी हैं वो नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैनुअल गाड़ी में जो है ना, एक मसला होता है, एक मसला ये होता है अगर आप चढ़ाई पर हो, चढ़ाई पर चढ़ रहे थे आप और बीच में आपको ब्रेक मारनी पड़ गई, बीच में आपको ब्रेक मारनी पड़ गई अगर, अब ब्रेक नीचे पैर तो आपका जो है ना, जो ब्रेक वाला पैर है वो या तो ब्रेक पे होता है या तो एक्सेलेटर पे होता है। अब आपको ब्रेक से पैर उठा के एक्सेलेटर पे रखना, और इतने में गाड़ी आपकी आएगी पीछे, जैसे ही ब्रेक से पैर हटाओगे ना गाड़ी पीछे आएगी, और फिर आप एक्सेलेटर दबाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना, ये एक मसला है। अब इसका क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है मैनुअल गाड़ी के अंदर। मैनुअल गाड़ी में कुछ लोग ये करते हैं कि हैंड ब्रेक यूँ हाथ से पकड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे कर लेते हैं, यानी समझ लो एक जुगाड़ एक तरह की। लेकिन जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं उसके अंदर अब आ गया हिल असिस्ट, एक हिल असिस्ट है और एक दूसरा पता नहीं कौन सा है, क्योंकि उतरते हुए भी तो ये मसला होगा ना, उतरते हुए आपको ब्रेक मारनी पड़ी तो वो नीचे जाएगी, या ऊपर चढ़ते हो तो पीछे आएगी, पीछे आगे दोनों में मसला है ये, तो दोनों के लिए ये चीज़ आ गया। तो हिल असिस्ट आप एक्टिवेट कर देते हो, बटन दबाते हो, अब हिल असिस्ट एक्टिवेट हो गया, अब वो ऊपर भी नहीं जाएगी नीचे भी नहीं जाएगी, फिक्स रहेगी। आप ब्रेक छोड़ दो भले, वो पीछे नहीं आती है या आगे नहीं जाती, इस तरह का कोई मतलब है उसके अंदर, फीचर है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो करता वही काम है, कुछ करता है लेकिन इंटरनली करता है। तो अब चक्कर ये है कि जो बंदा ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाला जो बंदा है उसको ये सारे फीचर, अब वो तो मैनुअल गाड़ी में तो वो ब्रेक पकड़ के सोचता ही रहेगा कि मैं उसको छोड़ूंगा कैसे यही होगा ना, उसको सोचता ही रहेगा मैं छोड़ूंगा तो पीछे आएगी, अब मैं करूँ क्या, उसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, या जो बंदा मैनुअल गाड़ी चलाने वाला है, मैनुअल गाड़ी चलाने वाले लोग क्या करते हैं, पहला गियर डाला, खींचा उसको पूरा पूरा आखिर तक, RPM घुमाया पूरा, फिर दूसरा डाला, फिर खींचा उसको पूरे को, तो ये मैनुअल के अंदर ये काम नहीं कर सकते आप। मैनुअल के अंदर वो एक सर्टेन तक ही जाएगा, मतलब स्पोर्ट्स मोड भी अपने मारा हुआ अगर तो एक सर्टेन RPM तक ही लेके जाएगा, उसके बाद वो चेंज मारता है, खुद ऑटो चेंज मारता है। तो आप बोलते हो यार ये तो पूरी भगाई नहीं थी मैंने, अभी दूसरा गियर इसने खुद ही डाल दिया, भाई वो ऑटोमेटिक है, उसके अंदर ये चीज़ें होती सारी हैं लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज़ में होती है, ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है। तो ये असल में ये जो है ना ज़रा ऑटोमेटिक माल है हमारा, नया वाला जो CX है ना, ये ज़रा ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो इसके अंदर कुछ फ़ीचर ऐसे हैं जो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं थे, इसमें कुछ फ़ीचर ऐसे हैं, दो वहबुक लग जाते हैं, तो वो उसमें पहले वाले में नहीं था वो। ठीक है, तो कुछ फ़ीचर इसमें ऐसे हैं जो उसमें नहीं थे, अब इसमें वो हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि उसमें कुछ जुगाड़े करते थे, वो इसमें अब जुगाड़ से नहीं होता, उसका एक प्रॉपर वे है। सही है, अब मुझे तो वो जुगाड़े याद हैं। मिसाल के तौर पे जिस बंदे ने मैनुअल गाड़ी चलाई भी होगी तो वो तो हैंड ब्रेक पकड़ेगा ना, अब उसको पता है कि, मतलब उसको पता नहीं है कि हिल असिस्ट इसमें है नहीं है, वो तो ब्रेक छोड़ने से पहले हैंड ब्रेक पकड़ेगा वो, तो कि यार पीछे ना आ जाए, हालांकि वो पीछे आ भी नहीं रही है लेकिन उसको तो लगेगा ना कि पीछे आएगी, तो वो तो हैंड ब्रेक पकड़ के आगे करेगा। तो कुछ जुगाड़े ऐसी हैं जो हम V2 में करते थे, देसी जुगाड़, तो वो अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक प्रॉपर तरीका है। अच्छा, लिहाजा क्या होता है, वो जुगाड़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो जुगाड़ जिस तरह करते थे वहाँ एक फीचर, एक ऑप्शन होता था उसके ज़रिए करते थे, वो है ही नहीं उसमें, अब है ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या, इमेजिन करो कि ऑटोमेटिक गाड़ी हो उसमें हैंड ब्रेक ही ना हो, हैंड ब्रेक वैसे नहीं होता ऑटोमेटिक गाड़ी में, होता है क्या, नहीं होता ज़्यादातर में, पार्किंग पे लगाओ खुद ही टायर जाम हो जाता है। तो आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी याद नहीं है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में हैंड ब्रेक होता है कि नहीं होता। वेल, तो अगर किसी गाड़ी में हिल असिस्ट भी है और पार्किंग मोड है तो हैंड ब्रेक की वैसे ज़रूरत है नहीं सही मानों में, है ना, क्योंकि पार्किंग में करूँगा टायर खुद ही जाम हो जाएंगे, आगे पीछे होगी नहीं गाड़ी। और या अगर मैं चढ़ाई वढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो हिल असिस्ट एक्टिवेट कर दूंगा तो ऊपर नीचे वाला मसला भी हल हो जाएगा, तो हैंड ब्रेक का काम कोई बचा नहीं है। अगर हैंड ब्रेक अगर रिमूव कर दें अगर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई मैनुअल चलाने वाला बंदा है वो तो हैंड ब्रेक वाले गाड़ी ये क्या हुआ, हैंड ब्रेक क्यों नहीं, अब मैं ब्रेक कैसे छोड़ूँ, अब वो सोचता ही रहेगा, ये तो कल मेरे साथ यही हुआ, अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या यार ये। ठीक है, तो आपने V2 को बिल्कुल भी अभी हाथ नहीं लगाना, अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ये वाला सीखो। ठीक है यार, चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।